tamadi devam karuna nidanam tamala varnam suvita vrataram apar sansara samudra saitum vajyamahe bhagavatam swarupa janma pravajantum anupetam apetam kritam dvaipayana virahakatara ajuhavam putreti tanmayataya taravo vinidam stam sarvabhota hridaya manivahana tvasmi narayanam namaskritta naram chaiva narottamam devi saraswati nidasa tato nirmudirai he krishna chaitanya prabhu nityananda sri advaita gadadhara sri radhadevi gaurava karunda bala hari krishna 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 hari 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 ram hari ram 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 bala hari krishna 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 hari 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 ram hari ram 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 sarvatam mere guru pad padma Nitya Vishnu Vishnu Pada Shodarsita Sri 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 Madhavati Sri Siddhanti Goswami Maharaji Charnakamalami Anandapati Sashtam Dhanavat Pranam Pratam Tatpashat Marisikya Guru Pada Vadma Nitya Vishnu Vishnu Pada Shodarsita Sri 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 Madhavati Vedanta Sri La Narayana Goswami Maharaji Charnakamalami Sradha Pushpanjali Arpanam Pratam उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी बचारों ने यथाजगत प्रणाम करता गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु आविर्भूत हो गए। यहाँ प्रश्न है भगवान जगत में क्यों जन्म लेते हैं, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जो अपिसन अपय आत्मा भूतानापि ईश्वर पिसन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाय। कृष्ण का कहे अर्जुन मेरा जन्म नहीं है, मैं अजय हूँ, लेकिन मैं जन्म नहीं होने पर भी जन्म लेता हूँ। हम लोगों जो जन्म हुए क्यों जन्म हुए, बोले पूर्व जन्म का कर्म को भोग करने के लिए हमको बाध्य हो करके इस संसार में आना ही पड़ता है, क्योंकि पूर्व जन्म का कर्म का फल हमें भोग करना है। ये महामाया के अधीन में हमें जन्म लेना पड़ता है और संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख कष्ट ये सब के सब हमें सहना पड़ता है। लेकिन भगवान जो जन्म लेते हैं कभी जोग माया उपासी अपना जोग माया को आश्रय करते हुए प्रभु इसी जगत में जन्म लेते हैं, इसलिए उनको कहते हैं अवतार। अवतार मतलब अप्रपंचात प्रपंचम अवतरणम इति अवतार। अप्रपंचात मतलब गोलोक वृंदावन से इसी जगत में जो उतरते हैं इसलिए उनको अवतार कहते हैं, जो वहां से उतरते हैं। अब जब इच्छा होता है फिर भगवान इस जगत से फिर चले जाते हैं ठाकुर जी। इसलिए कृष्ण बोले मेरे जन्म नहीं लेकिन तभी मैं जन्म लेता हूँ। क्यों लेते हैं भगवान जन्म, तो गुरुदेव ने इसको पीछे कम से कम 10 बार कारण बताया, अभी हम सुनेंगे कृष्ण क्यों जन्म लेते, कल फिर आपसे मैं सुनूंगा। ठीक है, अभी मैं सुनाऊंगा और कल आप मेरे सुनाऊंगा। इसलिए पहला कारण है बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। बोले हे अर्जुन जब जब इसी जगत में धर्म की हानि होने लगता है, अधर्म बढ़ने लग जाए, साधु गो ब्राह्मण पृथ्वी को गोबर में अत्याचार होने लग जाए, उसी समय में इसी जगत में मैं अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश धर्म स्थापन और भक्तों को में रक्षा करता हूँ, तब ये एक कारण है। कहते पहला कारण, दूसरा कारण क्या, बोले अनुग्रहाय भक्तानां करोमि विविध क्रिया। कहते मैं अपना भक्तों को ऊपर में अनुग्रह करना चाहता हूँ,
अगर कृष्ण जन्म नहीं लेते, भगवान राम अगर जन्म नहीं लेते, राम बैठ कर क्या कथा सुनते? उन्होंने इतने मधुर मधुर लीला नहीं करते, फिर हम सुनते हैं क्या? फिर हमारे कल्याण कैसे होता, उद्धार कैसे होता? इसलिए भगवान इसलिए जन्म लेते हैं, अपना भक्तों को भगवान करुणा कृपा करना चाहते हैं, मधुर मधुर लीला करके हैं, इसलिए भगवान जगत में अवतीर्ण होते हैं। ये दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण क्या है? जब कृष्ण कंस का कारागार में प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर के दर्शन दिए, इतने में देवकी वसुदेव बोले, प्रभु मैं तो आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया, प्रार्थना की थी, आप तो ये क्या चार हाथ कुंडा लिखे और चमकीले चमकीले वस्त्र पहन करके आए हो? भगवान ने कहा, देवकी वसुदेव तुम दोनों पूर्व जन्म में कृष्ण और सुतपा दोनों ने कठोर तपस्या की, वृक्ष से जो पत्ते गिर जाते थे वो पत्ते को खा खा करके 10,000 साल तपस्या की। जब मैंने दर्शन दिया बोले वर मांगो, तो दोनों ने कहा, प्रभु हमें आप जैसे एक हमें बालक। भगवान बोले, मेरे जैसे तो कोई होता ही नहीं, मेरे जैसे तो बोले मैं ही होता हूँ। ठीक है, अगली अवतार में मैं तुम्हारी बेटा बनकर काम। ये एक कारण। बोले चौथा कारण क्या? बोले ये द्रोण और उद्धारा ये दोनों भी कठोर तपस्या ब्रह्मा जी की। जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए बोले वर मांगो, एक तो वर मांगा कृष्ण और सुतपा, क्या वर मांगे? उन्होंने ये वर मांगे, आप हमारे बच्चे बालक बन कर क्या हैं, आप जैसे हमें एक बेटा चाहिए। लेकिन ये क्या मांगे? बोले प्रभु हम चाहते हैं जैसे एक स्वाभाविकी बच्चा माँ की पेट से जन्म लेता है और जन्म लेकर के भैया उसको गोद में लेकर के दूध पिलाती है, पल्ले में उनको झुलाती है, अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके चलाना सिखाती है, अगर कोई नटखट करे ना क्या करते, कान भी मोड़ देती है, उनको डांट डपटती है। मैं चाहता हूँ ऐसे ही मेरे स्वभाव की एक बालक बन के का। तब भगवान ने प्रकाश को बोल दिए, वही द्रोण और ये धरा, ये श्री नंद जशोदा जब आए, इनके अंदर में तदात्म होकर के मिल करके उन्होंने आए, फिर एक साथ में उन्होंने वात्सल्य रस को आस्वादन किया। ये भी एक कारण है। कितना हो गया कारण? कितना हो गया? चार। अब लोग गिन नहीं रहे, चार हो रहा है। इसलिए पंचवा कारण बताए, जिस समय भगवान राम लक्ष्मण और सीता ये तीनों वनवास में गए, अभी सुपने का प्रभु राम को देख के बड़ी सुंदर सद्धज करके हैं, बड़ी सुंदर बन करके आ गई। बोले आप जिस मैं जैसे सुंदर ही है ना, हैं आप भी ऐसे सुंदर हो, हैं आप भी ऐसे सुंदर, हम मैं जितने सुंदर तुम तो उतने सुंदर है नहीं, हैं लेकिन बिता था हम दोनों को जोड़ी बहुत प्यारी बनाई, इसलिए हमसे ब्याह कर लो। भगवान राम बोले मेरे तो ऑलरेडी सीता ही है, सीता ये है। इतने में लक्ष्मण गया था जंगल से लकड़ी लेने के लिए, इतने में लक्ष्मण जी जो आए, सुपर्ण का देखा ये भी कौन सुंदर है, बोले ये बालक कौन है? बोले ये मेरे छोटे भैया। बोले क्या अभी पत्नी नहीं? बोले अभी तो कोई पत्नी नहीं, बोले इस समय ब्याह कर सकते हैं। बोले तेरे जैसे मनमान को कौन रोक सकते हैं, घुस कर देख ले। जब लक्ष्मण के पास में पहुंचे, लक्ष्मण बोले अभी तो राम से कुछ प्रार्थना कर रही थी, ये बताओ तू रानी बनना चाहती ना सेविका? बोले रानी हैं? बोले मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, मेरे से शादी करोगे ना सेवा करते करते थक जाओगे, कहा रानी बनने की तो स्वप्न देख रही, जा प्रभु के पास में जा। फिर आया राम के पास में, फिर राम ने इनकार कर दिया, बोले ये सीता है ना इतनी गड़बड़ी का यही कारण है, इसकी वजह से ये हमें ग्रहण नहीं कर रहा है। बोले बाहर इसको ही मैं खा जाती हूँ। जब सुपर्ण का खाने के लिए गई, इतने में राम लक्ष्मण को इशारा किया तो उसने उसकी नाक कान काट दी। बोले नाक कान क्यों काट दी? लक्ष्मण ये गुरु है, गुरु का काम है शिष्य को उपयुक्त बना करके भगवान की सेवा में लगा। लक्ष्मण समझ गए ये प्रभु को प्रतिरूप में हृदय में बैठा चुकी है,
भगवान भी उसको ग्रहण कर चुके हैं, ये और किसी की बनकर नहीं रहे। एक स्त्री जितने सुंदरी से सुंदरी क्यों न हो, उसका नाक कान को काट के फिर दुनिया में उसको कोई पूछेगा? दुनिया में उसको कोई नहीं पूछेगा, बल और तो किसकी बनकर के नहीं रहना, राम की बनकर रहना। पर यही रामावतार में, कृष्णावतार में फिर यही बनकर के आती है, ये कुबड़ी बनकर के आती, कुब्जा बनकर के आती है। जब कुब्जा बनकर के आए, इतने में कृष्ण ने बोले, ओ सुंदरी सुंदरी। बोले भैया अभी तक तो मेरे कोई सुंदरी बोली तो तीन जगह से टेढ़ी है, तीन जगह से टेढ़ी, उसको देखते बच्चे भाग जाते हैं। बोले मेरे को सुंदरी सुंदरी कौन बोलने वाली, मोड़ करके देखा तो क्या सुंदर है राम, श्री कृष्ण और श्री बलराम, क्या सुंदर है। इतने में बोले थोड़ी सी हमें श्रृंगार कर दोगे? बोले तुम्हें तो नहीं करूंगा, किसको श्रृंगार करोगी है। इतने में उन्होंने कृष्ण का सखाओं को, कृष्ण बलराम को बड़े सुंदर उन्होंने श्रृंगार कर दिया। जब श्रृंगार कर दी, इतने में सखा उन्होंने कहा, कन्हैया तू केवल लेना ही लेना जानते, देना तो कुछ सिखाई नहीं की। फिर देख ये तीन जगह से कैसे टेढ़ी। बोले भैया मैं तो तीन जगह से टेढ़ा हूँ, इसलिए टेढ़ी जोड़ी तो दिया है, टेढ़ा और टेढ़ी। बोले थोड़ा इसको सीधा कर दे। इतने में कृष्ण ने एक प्यार को पर एक प्यार रखा, थोड़ी में एक प्यार और पीछे से एक प्यार, बस उन्होंने ऐसे भी झटका मारे, एक झटका में सीधा सट्टा हो गया और क्या सुंदरी बन गई, अपूर्व सुंदरी बन गई। अपना रूप जवान को देख कर को संभाल नहीं सकी। इतने में उन्होंने श्री कृष्ण का दोपड़ा पकड़ लिया। बोले कृष्ण ये सुंदरता तुमने दिया है, इसका तू ही भोग कर सकते हो, तेरे को शर्म नहीं आ रही? सामने जेठ खड़े हुए कपड़ा पकड़ कर खेच रहे हैं, अभी नहीं, अभी मैं कंस को उधार करके जब वापस आऊंगा ना, फिर तेरे में इच्छा मैं पूरी करूंगा। इसलिए अभी वही है ये सुपर्णा बन कर के आई, सुपर्णा ही कुब्जा बन कर के आई, प्रभु ने उसकी इच्छा पूरी किया। इसका ये एक कारण है। कितना हो गया? पांच हो गया। बोले छठवा कारण बताइए। जिस समय बलि महाराज के दरबार में रत्नमाला, श्री बलि महाराज के दरबार में भगवान वामन बन कर के आए, क्या भगवान सुंदर थे, बट्टु ब्राह्मण वेश, अद्भुत तेज, हमने कभी ऐसे ब्राह्मण कभी देखा नहीं, इतने तेजस्वी ब्राह्मण हैं, बरुणा अंगुल के बड़ा अपूर्व सुंदर है। उनकी बेटी थी जिसका नाम थी रत्नमाला। कहते माताओं का एक स्वभाव है, अगर किसी सुंदर बच्चे को देखे ना, उसकी मन में इच्छा होती है, हमारा अगर ये बालक बन कर आएगा ना, तीन भाग हम उसको गोद में लेकर तुम्हें ला ले रहा हूँ। भगवान भावग्राही की बात है, तुम्हारी मैं बेटा बन जाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने दो पग में सब कुछ ले लिए, तीन पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं, नाक फांस बंधन में बांध दी, ये तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिता का सर्वस्व अपहरण कर लिया, फिर बांध भी दिया। वो सोच रही है अगर तू मेरे बेटे बनकर के आओगे ना, तेरे को मैं क्या दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं चहर पिलाऊंगी। भगवान बोले कोई बात नहीं, बेटा भी बन जाऊंगा, चहर भी बनगा। वही फिर उतना बन करके आती है, स्तन में जहर लेकर के आई, प्रभु बालक भी बने और उसकी स्तन भी प्रभु ने पान किया। ये भी एक कारण है। कितना हो गया? छह हो गया। हाँ, सप्तम कारण बताए। जिस समय भगवान राम दंडकारण्य में पहुंचे, ये ऋषि मुनि लोग बड़े दिनों से गोपाल मंत्र में भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे थे। गोपाल मंत्र का आराध्य देव कृष्ण, जब राम वहां पर आए, राम कृष्ण रंग बराबर है, दोनों एक ही है। अभी उन्हें राम को देख करके श्याम को याद आए, अभी उन्होंने सबके सब पति रूप में प्रार्थना की। भगवान राम ने बताया, देखो ये अवतार में एक सीता के सिवाय और किसी को मैं धर्म स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, सबके सब तुम द्वापर युग में गोभी बन करके आओ। सबके सब गोभी बन करके आए और भगवान उनको दिन भर आश्रम में ठाकुर जी उनको स्वीकार किया है। कितना हो गया? सात हो गया। इसलिए अष्टमा कारण बताए। जब राम और लक्ष्मण जनकपुर में पहुंचे, जनकपुर में जब पहुंचे, इतने में
वशिष्ठ जी से, विश्वामित्र जी से आदेश मांगे, बोले गुरु जी आदेश दे दो कि जनकपुरी थोड़ा हम दर्शन करके आ जाए। जब जब उन्होंने जनकपुरी में प्रवेश किया है, जिस समय श्री जनक महाराज जी उनको दर्शन करते हैं, दर्शन करके मुक्त हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले इन्हें बिलो कताती हर सीता, इन्हें बिलो कताती हर सीता, इन्हें बिलो कताती हर सीता, पर बस Yeah.
जो एक बार राम लक्ष्मण को दर्शन करी एकदम हल्ला मचा देते, बोले क्या सुंदर दो बालक आए हैं, एक श्याम रंग के और एक गौर रंग के, एक पीतांबर एक नीलांबर पहने, दोनों घास में धनुष, क्या सुंदर, जैसे मानो एक साथ में चंद्र सूरज जैसे एक साथ में प्रकट हो गए, इतने सुंदर थे प्रभु देखने में। अभी पूरा हल्ला मचा देते हैं और जितने सब के सब श्री राधा मृद बिहारी जी की जय। और जो एक बार देखे हल्ला मचा देते, पूरा के पूरा जनकपुर के जितने सब के सब किशोरिया हैं, उस सब के सब प्रभु का दर्शन कर रहे थे झरने से, और सब के सब छत के ऊपर से खड़े होकर के दर्शन कर रहे थे। लेकिन राम और लक्ष्मण मर्यादा पुरुष तो नहीं, कभी भी सर उठा कर कभी दूसरे स्त्रियों को कभी उन्हें देखा ही नहीं, कभी एकदम सर नीचे करके प्रभु राम जा रहे थे, लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे थे। अभी जितने वो किशोरियां ना छत के ऊपर खड़ी हुई थी, लेकिन प्रभु तो सर नीचे करके जा रहे थे, अभी उनकी मन में इच्छा प्रभु को दर्शन करें, लेकिन दर्शन करें कैसे, प्रभु तो सर उठा कर सर नीचा करके जा रहे हैं, इतने में थोड़ी सी ऊपर से खास है मतलब थोड़ी सी ऊपर देखें देख सुन करके, लेकिन प्रभु के ऊपर सर उपचार नहीं करते। लक्ष्मण को बोले गुरु जी, बोले गुरु जी का काम क्या, बोले जीवों को है परम ब्रह्म से मिला, ब्रह्म से मिला ये गुरु जी का काम। लक्ष्मण राम से बोले प्रभु थोड़ी सी सर ऊंचा करके देखो ना, ले ये मायापुरी इधर उधर देखना नहीं, एकदम सर नीचे करके चलो। लक्ष्मण बोले प्रभु एक बार दर्शन करो, हाँ वो गुरु है ना, बोले प्रभु एक बार ऊपर थोड़ा सा सर करो। बात जब प्रभु थोड़ा ऊपर सर उठाए ना, वो जितने रमणियां थी प्रभु राम को देखे तो उन पर बेहोश हो गए, जब उनकी होश आई राम को पीछे पड़ गए, बोले हमसे ब्याह कर लो। देख लिया लक्ष्मण पहले तेरे से मना कर रहा था, हैं कुछ मत कर, देखो अभी क्या कर। राम ने कहा देखो ये अवतार में मैं सीता के सिवाय और किसी को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम सबके सब द्वापर युग में गोभी बन करके आओ, तुम्हारी इच्छा को मैंने पूरी करूंगा। सबके सब गोभी बन करके आए, हैं कितना कारण हो गया, 8 कारण हो गया, इसलिए नवमा कारण बताएगा। जब धोबी बोलने पर प्रभु राम ने सीता को उन्हें वनवास में भेज दिया, लेकिन प्रभु राम 11,000 साल तक राजत्व की अयोध्या में हर साल एक एक अश्वमेध यज्ञ करते थे। वशिष्ठ जी ने कहा प्रभु अश्वमेध यज्ञ तभी कर सकते हो जब तुम्हारी पत्नी हो, बगैर पत्नी के कोई शुभ काम तुम नहीं कर सकते हो। बोले सीता को तो वनवास में दे दिया, बोले तुम्हारे पिता भी तो तीन तेरे शादी थे ना कौशल्या कहके सुनी थी, तो और एक कर ले। बोले नहीं राम, अपना जीवन में सीता के सिवाय और किसी को ग्रहण नहीं कर सकता है। बोले और कोई उपाय बोलो, बोले सोने की सीता बना करके अपना बाम पार्श्व में रख करके यज्ञ कर सकते हो। हाँ ये कर सकता, हर साल एक एक सोने की सीता बनाया करते थे और वशिष्ठ जी उसमें प्राण संचार करते थे, वो साक्षात सीता हो जाते। अब इतने सीता कहाँ गए, बोले ये सब के सब द्वापर युग में गोपी बन करके आए, भगवान सभी की इच्छा को पूरी किया है। तो ये भी एक कारण क्यों भगवान कृष्ण रूप में आए। कहते श्री ब्राह्मण पुराण में आता है, बोले एक समय श्रुतियों का जो मंत्र वेद का जो मंत्र, ये भी एक एक रूप गोपी रूप धारण करते हुए ये भी तपस्या की। प्रभु बोले क्या चाहते हो, बोले प्रभु गोपियां जैसे आपको प्रेम करते हैं ना, हम चाहते हैं आप गोपियां जैसे प्रेम करें। बोले ये नहीं हो सकता, और कोई चीज मांगो, बोले नहीं हमको तो यही की चीज चाहिए। तो ठीक है, सब के सब द्वापर युग में गोपी बन करके, वो श्रुतियों का जो मंत्र था वो सब के सब एक गोपी बन करके आए और भगवान उनकी इच्छा को पूरी की। कितना करना हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया, अब 10 है, कितना हो गया, 10 कारण हो गया। इसलिए 11वां कारण बताए, एक समय ब्रह्म लोक से भगवान की नारायण के चरण की तुलसी और चंदन की खुशबू, ये ब्रह्म लोक से वो आया, ये वैकुंठ से आया ये ब्रह्म लोक। अभी चतुसर के नासिका विवरण में प्रवेश करते ही ये एकदम उन्माद हो गए,
ब्रह्मा जी से पूछे, पिताजी इतने सुंदर खुशबू कहां से आ रहा है? बोले बच्चों ये आ रहे हैं वैकुंठ से, नारायण के चरण तुलसी की एक खुशबू है। बोले हम तो दर्शन करने जा सकते हैं क्योंकि ये ब्रह्मा ज्ञानी थे, भगवान भी निराकार निर्विशेष मानते थे। ब्रह्मा सोचते थे कहां इनको मैंने जन्म दिया, ये भक्ति रस को कहां पान करेंगे, ये कहां ब्रह्म ज्ञान में चले, बड़े दुखी थे। जब चतुश्रेय ने कहा हम जा सकते हैं, ब्रह्मा जी को पता है जब एक बार प्रभु का दर्शन करेंगे ना, इनको दर्शन करते ही बोले आत्मा रामश्चंद्रो निर्गंथ अभी अहितुकी भक्ति इतम भूत। भगवान हरि की ऐसे उनकी मधुर मधुर लीला है, इनकी सुंदर सुंदर रूप है, जो एक बार इनकी लीलाओं को दर्शन करे सुने और दर्शन करे वो अपने आप सारे ब्रह्म सुख को भूल जाए, वो प्रसन्न हो बोले जाओ बेटा दर्शन करके आ। सात दरवाजा पार हो तभी दर्शन मिलेगा, छह दरवाजा पार हो गए अब सप्तम दरवाजा में प्रवेश करेंगे, जय विजय करी हुए। बोले कहाँ जा रहे हो? नंगे धंगे बिना पूछे, पता नहीं प्रभु किस रूप में लक्ष्मी के साथ में बैठे हुए होंगे, पर बिना पूछे अंदर में घुसते जा रहे। इतने में उन्होंने छड़ी लेकर के उन्हें बंद कर दी, बंद करते ही इतने में चतुर्सन को क्रोध आया, बोले हमारी रास्ता को बंद कर रहे हो, ये वैकुंठ है। वैकुंठ मतलब जहाँ पर डर भय रोग शोक मृत्यु जहाँ पर कुछ नहीं है, और हम जैसे ऋषियों के लिए रास्ता बंद कर रहे हो, तुम दोनों को हम अभिशाप देते हैं, जाओ राक्षस कुल में जाकर जन्म ग्रहण करो। अभी रोने लगते, इतने में अंदर से प्रभु आए, बोले क्या बात? बोले प्रभु ऐसे ऐसे बात है, बोले देखो अगर तुम राक्षस बन करके जाओगे तीन जन्मों के बाद में आओगे, अगर तुम मेरे भक्त बन करके जाओगे सात जन्मों के बाद में आओगे, बताओ क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम चाहते जल्दी जल्दी वापस आ जाए, हाँ आपकी चरण में आ जाए। बोले ठीक है फिर तुम राक्षस बन करके जाओ, पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनना, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतपुत्र बन करके आए, और चौथे में जगाई और माधाई बन करके आए, हैं भगवान की उद्धार की। अभी प्रश्न है, गीता में कृष्ण कहते हैं जत गत्वा न निबद्धन्ते तत् धाम परम, जिस धाम में एक बार जाने पर कभी जीव वहां से इसी मर्त्य जगत में वापस नहीं आता, ऐसे प्रभु की ये दिव्य धाम है। लेकिन ये वैकुंठ से गिरे कैसे, ये मर्त्य जगत में फिर कैसे आ गए, फिर राक्षस बन के भी कैसे आ गए? तब इसका रहस्य बताते हैं, जो भगवान को बताया अखिल रसामृत मूर्ति, यदि ये सारे रसों का जो मूर्तिमान स्वरूप श्री भगवान, भगवान बारह रसों का मूर्तिमान, लेकिन ग्यारह रस को उन्होंने आस्वादन किए, अभी एक रस को अभी आस्वादन नहीं कर पाए। बोले कौन सा रस? बोले वीर रस। अभी भगवान सोच रहे हैं एक हाथी और चींटी में तो युद्ध नहीं होता है, युद्ध किसको किसको वदन हो, अगर हाथी हाथी में युद्ध होना फिर तो उनको थोड़ी सी आनंद आता है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुई, अगर चींटी को साथ में थोड़ी हाथी की युद्ध होता है, कहाँ भगवान और कहाँ जीव है, हैं? भगवान लड़ाई करे किसी के? तब ये जय विजय ये उत्तम भक्त है। उत्तम भक्त किसको कहते हैं? और जो भगवान की इच्छा को जान करके अपनी आप इच्छा को जो पूर्ण करते तभी ये उत्तम भक्त है। अभी इनको पता चला भगवान कह रहे खा रहा हूं और सो रहा हूं, सो सो करके पड़ा हुआ, अरे इसे तो बीमार भी पड़ जाऊंगा, थोड़ी सी अगर लड़ाई झगड़ा हो, हाँ थोड़ा मल्ल युद्ध हो थोड़ी तब आनंद आएगा, हाँ खा रहा हूँ यहाँ सो रहा हूँ। अभी भगवान इनकी इच्छा को समझ गए, इच्छा को जब समझ गए भगवत इच्छा से चतुर्सन आए, और उन्होंने जान बुझ करके रास्ता को रोके, और उन्होंने अभिशाप को ग्रहण किया, ग्रहण करते हुए उन्होंने फिर राक्षस बन कर आए। ऐसे युद्ध किया है ना, हैं ऐसे युद्ध किया, पहले हैं पहले बन करके आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ में जब भगवान की युद्ध किया हुआ बरहा बाजार में, भगवान ऐसे मारे, भगवान को हिरण्याक्ष ने ऐसे मारे ना,
भगवान को हाथ से गदा निकल गया, सारे देवता हाहाकार कर रहे हैं, बोले बावारी भगवान को हाथ से गदा निकल गया। इतने में हिरण्यकश्यप ने कहा क्या देख रहे हो, उठा गदा युद्ध करो। मतलब उन्हें ऐसे युद्ध किया ना, भगवान को भी चक्कर चढ़ा दो। भगवान को पता चला भैया भक्तों में कितने ताकत होता है लड़ाई करने में। ऐसे ही भगवान जब हिरण्यकश्यप के साथ में जब उन्हें युद्ध हुआ है, फिर नरसिंह भगवान का, भगवान भी उनको भी ऐसे युद्ध किया ना हिरण्यकश्यप और भगवान से नरसिंह देवता भी छका छुड़ा दिए। ऐसे युद्ध किए भगवान के साथ में, फिर रावण को साथ में जानते हो राम कैसे युद्ध हुआ है। इसलिए भगवान ने इन्होंने उनकी इच्छा पूरी किया है, क्योंकि ये एक कारण है भगवान देवत्व संभाले। और जो एक कारण है, और एक कारण है भगवान गीता में कहते हैं, बोले जी जथामाम प्रबदन्ते ताम तथैव भजामि। बोले अर्जुन जो मेरे को जितना भजन करता है मैं उसकी उसी अनुरूप उनको प्रेम प्रदान करता हूँ। उनने सारे जगह पर यही उन्होंने अपना प्रतिज्ञा की है, लेकिन ये प्रतिज्ञा कब उन्होंने टूट गया, जो रासलीला, जब भगवान रासलीला कर रहे थे उन्होंने बोले गोपियां तुम लोगों ने मेरे लिए जो त्याग दी है न पार है, तुम्हारी ऋणी कभी से मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा, ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के हैं तुम्हारी ऋणी से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इसलिए भगवान जगत को दिखाना चाहते हैं भगवान भक्तों का चरण में कितने ऋणी है, गोपियों के चरण में भगवान कितने ऋणी है। ये भी एक कारण है भगवान के मन उसका। और एक कारण बताए कद रसिक शिखर कृष्ण परम, भगवान रसिक शिखर है इसलिए रसास्वादन करना चाहते हैं, भगवान परम करुण है इसलिए जगत को वो ब्रज प्रेम ब्रज भक्ति देने के लिए प्रभु चाहते थे। इसलिए भी जगत में भगवान खाना पड़ा। कितना कारण हो गया, तेरह कारण हो गया। चौदवा कारण बताए भगवान मधुर मधुर लीला करके भव औसत छत्र मनोभिरामा, भगवान मधुर मधुर लीला करके जो ब्रह्म में सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी उनको भगवान आकर्षण करना चाहते हैं, आकर्षण करके अपना भक्ति में उनको लगाना चाहते हैं। भी एक कारण है। कितना हो गया, चौदह हो गया। पंद्रहवा कारण को थोड़ा इस तरह समझ लो, कोशिश कर इसको समझने के लिए। कहते एक होता है स्वरूप सिद्धि और एक होता है वस्तु सिद्धि। कहते स्वरूप सिद्धि किसको कहते हैं, बल्कि जितने जीव है ना हर जीव के अंदर में भगवान के प्रति एक प्रेम विद्यमान है। चार तरह का जो रस है, हाँ चार तरह का जो दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर, ये चार ही रसों से भगवान की भक्ति जीव करते हैं। लेकिन हर जीवों के अंदर में ये एक रस विद्यमान है ठाकुर का प्रति, किसके दास्य रस में, किसके वात्सल्य में, किसके सख्य में, किसके मधुर में। लेकिन जब जीव धीरे 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 भजन करता है, जब उसका अनर्थ निवृत्ति हो जाता, फिर जब आसक्ति आती, फिर प्रभु का प्रति जब भाव प्रकट होता है, तभी ये जीव का जो नित्य सिद्ध जो एक स्वरूप है तभी जीव का प्रकट होता है। तो वो पहचान पाता है भगवान के साथ मेरी कौन सा संबंध है, ये चीज इसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। जब ये स्थिति हो जाती है फिर जोग माया क्या करती है, जब ये शरीर छोड़ दे, अभी भगवान की अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड ठाकुर जी की, कृष्ण कहीं ना कहीं अभी लीला कर रहे हैं, कहीं गैया चरा रहे हैं, कहीं रास रचा रहे हैं, कहीं उन्होंने मक्खन चोरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लीला हो रही है अनंत ब्रह्मांड में। जोग माया क्या करती है, ये जीव को लेकर के एक ब्रह्मांड में जहाँ कृष्ण लीला कर रहे हैं उन पर जन्म देते हैं। और जो भगवान के नित्य सिद्ध जो परिकर है, ललिता विशाखा सखा लघु जो राधा का भक्ति भक्त है, उनको संगो होता है। संगो होने पर फिर उनको धीरे 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 उनके संगत के प्रभाव से इनके अंदर में सारे भाव संक्रमित होता है। फिर जब उनको भाव पुष्टि हो जाता है, फिर कृष्णा जब फिर उसी जगत को छोड़ करके जब अपना नित्य गोलोक वृंदावन में चले जाते हैं, फिर जीव है तो उसी भाव को प्राप्त करते हुए फिर जीव भगवत धाम को चला जाता है।
फिर जगत में प्रभु जीव और जगत में आता है, उसका जन्म मृत्यु दुख कष्ट सब समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान इस जगत में आते हैं, स्वर्ग सिद्ध भक्तों को वस्तु सिद्धि प्राप्त कराने के लिए भगवान इस जगत में आते हैं। समझ गए हो कि नहीं? समझ गए कि नहीं? क्या समझो कि नहीं? हरे कृष्ण। अभी हम कृष्ण गोकुल में कैसे जन्म हुए हम अभी की कथा को सुनेंगे, ठीक है? हाँ, एक भजन गा लेते हैं। जय माधव मदन मुरारी, I'm
प्रवंदी हरि हरि बोल हरि कृष्णा। अभी हम गोकुल चलते हैं, ठीक है। पहले गोकुल में श्री नंदा बाबा की जो पिताजी का नाम था परिजन बाबा, कभी ये इनके पांच बेटे थे, उपानंद, सुनंद, नंद, अभिनंद और नंद, ये पांच भाई। अभी इनका साधु सुधा हो गई तो हो गई। पहले ये चार ब्रह्म और चार आश्रम, चार आश्रम में कौन सा कौन सा, पहले ब्रह्मचर्य 25 साल तक सबके सब गुरु नियम जाते थे, वेद अध्ययन शास्त्र पढ़ते थे। उसके बाद में फिर गुरुदेव पूछते थे, बेटा तुम क्या करोगे, बताओ क्या करोगे तुम। जिसको ये पता चलता था कि जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है, 84 लाख जन्मों के बाद में भगवान बारंबार ये शरीर देते नहीं है, और इसी शरीर से ही हम भगवान को पास में जा सकते हैं और किसी जीवन में नहीं। और ये मानव शरीर नहीं, ये क्या है, ये कोहिनूर हीरा और ये चंदन की बाग हमें ठाकुर ने दिया है, हैं? लेकिन जिसको ये चीज पता चलता था कि बारंबार ठाकुर ये जीवन नहीं देते हैं, ये 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार केवल ये इंसान का जीवन मिलता है, जिनको ये चीज पता चलता है। फिर तो वो बोलता था, गुरु जी हम और जन्म नहीं जाएंगे, हम तो आपके चरण में रहते हुए, आपकी सेवा करते हुए, ठाकुर की भजन करते हुए अपना मुक्ति मार्ग को हम दे रहे। लेकिन वो लोग तो आश्रम में रहकर भजन करके प्रभु को प्राप्त करते थे, लेकिन जिनको ज्यादा ही संसार की इच्छा है, संसार के गृहस्थी के बगैर रह नहीं सकते हैं, गुरुदेव बोलते थे बेटा जा घर में जा, लव मैरिज नहीं करना। इसलिए जैसे पिता माता तुमको जैसे शादी करा देंगे, ऐसे सद गृहस्थ बन करके पति पत्नी दोनों मिल करके ठाकुर जी की भजन करना, भक्ति करना है, और गृहस्थ के आश्रम है, ये भोग की आटा खाना नहीं, ये आश्रम है। जब शादी होता है ना, वहां पर सालग्राम को साथ में वहां पर प्रतिज्ञा करते, बोले सालग्राम हम क्यों शादी कर रहे हैं, एंजॉय के लिए शादी नहीं कर रहे हैं, तेरी सेवा के लिए हम शादी कर रहे हैं, आज से हम दोनों मिल करके हम तुम्हारी भक्ति करेंगे, तुम्हारी हम सेवा करेंगे, इसलिए शादी करते थे, शादी का यही मतलब है। लेकिन बोले कब तक, कब तक संसार में रहोगे, ये हो गया 50 साल तक गृहस्थ, उसको बाद में देखो 50 को बाद में जो अंक आता है ना, एका बन बा बन चौ बन, ये बन बन शब्द है, मतलब भागवत कहता है 50 ऊर्ध्व वनम व्रज, 50 साल के बाद में घर में नहीं रहनी चाहिए, शास्त्र मना करता है, इसलिए एका बन बा बन मतलब वृंदावन धाम, वृंदावन धाम में जाकर भगवान की भजन करें, इसलिए ये बन 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 शब्द आता है। तो अगर तुमने फिर वृंदावन नहीं किया, भजन नहीं किया, फिर 68 60 61 मतलब फिर तुम सठिया बन जाओगे, सठिया समझता हो ना, फिर तुमसे कुछ होने वाला नहीं है, तुमसे और कुछ होने वाला नहीं, इसलिए 68 होने से पहले घर त्याग दो और साधु संग में जाकर के भजन करो, हैं, भजन करो। अगर भजन नहीं किया 69 70 71 फिर यहाँ कहते हैं अगर तुमने भजन नहीं किया ना, फिर तो संसार से निकलना बड़ा कठिन है, हाँ, तब भी कल्याण हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सठा सुधर सत्ता संगत पाई, अगर जीवन में ऐसे कोई अच्छे साधु का संग अगर मिल गया तो कहते ऐसे जो सठ भी है ना वो भी तर जाएगा, वो भी तर सकता है अगर उसको जीवन में साधुओं का संग अगर मिल गया। लेकिन नियम है 50 साल के बाद में घर में नहीं रहनी चाहिए, इसलिए एकावन बावन चौवन बन 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 वृंदावन में जाकर भजन करो। देखो अगर वृंदावन नहीं जा पाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपना घर को ही वृंदावन बना दो, घर में रह करके भजन करो, ऐसे नहीं उम्र हो गया बैठ बैठ करके हैं सबको साथ में अड्डा मार रहे हैं, दुनियादारी की गप्पे मार रहे हैं, उल्टा सीधा फिल्म देख रहे हैं,
उल्टा सीधा चीज में मन को लगा रहे हैं, नहीं ये मानव शरीर में नहीं, जानते हो ये क्या बोले, ये है चंदन की बात। एक छोटी सी कथा सुनो, एक समय पे एक राजा जा रहा था, ये चंदन की बात कैसे, एक राजा जा रहा था, देखा कि लकड़हार, लकड़हार जानते हो जो लकड़ी जंगल का काट करके उसको कोयला बनाता है और मार्केट में बेच करके बड़े कष्ट से है दो चार डॉलर किसी तरह से कमा करके अपना संसार को पालता था। राजा ने बोले क्या करते, बोले यही काम करता। बोले देख बेटा, आज से तेरे सब दुख खत्म हो जाएगा, तेरे को मैं एक चंदन की बाग देता हूँ, ये पूरा ये चंदन की बाग ले ले, तेरी सारी दुख कष्ट खत्म हो जाएगी। राजा जब एक साल के बाद में आया ना, देखा वो पहले जो कर रहा था अभी भी वही कर रहा है। बोले अभी भी तो वही गरीब है। बोले हाँ। बोले तेरे को जो चंदन की बाग दिया था, बोले सबको काट करके जला करके कोयला बना कर मार्केट में बेच दिया। बोले नालायक, तेरे को पता है मैंने तेरे को क्या दिया था, हैं कि जो चंदन की जो बाग है ना वृंदावन में, एक किलो अगर प्योर चंदन की लकड़ी खरीदी करने जाओगे प्योर, 25-30 हजार रुपया में भी एक किलो चंदन का लकड़ी प्योर भी नहीं मिलेगा, 25-30 हजार रुपया में भी। मतलब एक पेड़ में कितना किलो होता है, एक पेड़ करोड़ रुपया एक पेड़ की, और उसने सारे जंगल खत्म कर दिया जला करके और कोयला दर में सब भेज दिया। बोले नालायक, तुमने पूरा ये जंगल खत्म कर दिया जला करके। हाँ, इसका मतलब कहते हैं ये मानव शरीर नहीं, ये चंदनी की बाग है। चंदनी की बाग मतलब क्या है, इसी शरीर से हम भगवान की भक्ति करते हुए ये जन्म मृत्यु का चक्र से निकल करके चिरकाल के लिए हम ठाकुर जी को पास में जा सकते हैं, जहां पर जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, जरा व्याधि कुछ नहीं, आनंद आनंद धाम है, हैं? इसलिए भगवान राम कहते हैं, बोले साधन मोमक्ष कार्य द्वारा पाई न जे परलो का सवारा। बोले ये मानव शरीर नहीं, ये साधन का धाम है, इसलिए ये साधन का धाम है, इसी शरीर से ही बैक टू गॉड हेड अपना घर को जा सकते हो। लेकिन हमने क्या किया, उसको जला करके ना कोयला दर में बेच दिया। मतलब जानते हो, हम कुल चार काम करते हुए जीवन को नष्ट कर दिया। बोले चार काम क्या, बोले खाना सोना बच्चों को जन्म देना अपना घर गृहस्थी करके खत्म, यही करते हुए खत्म कर दिया। जिसको गद्दे कुत्ते सुअर जीवन में भी हमने बच्चों को पाले खाए पिए जो जो काम कर रहे थे ना, ये मानव शरीर पाकर भी सारा जीवन यही करते हुए ये जीवन खत्म, फिर वही 84 लाख जन्म में जा बैठे। इसलिए एक दिन से परिजन बाबा ने उन्होंने 5 बेटों को बुलाया। बोले देखो बेटो, तुम लोग बड़े हो गए हो, घर गृहस्थ तुम्हारे ठीक ठाक है, अभी हमको 50 साल हो गया और हमें घर में नहीं रहनी चाहिए, हम चाहते हैं दोनों पति पत्नी से वृंदावन धाम में जाए और सत्संग करते हुए भगवत आराधना करते हुए ये जीवन को हम मुक्ति के मार्ग में तरफ में ले जाए। बच्चे बोले ठीक है पिताजी। पहले पहले सबके सब जाते थे, दशरथ महाराज का नाम सुने, जब उन्होंने एक दिन शीशा में अपना चेहरा देखा, एक दो बाल पक गए, और नहीं बाल पक गया है, पक गया मतलब क्या, वार्निंग दे दिया और ऊपर का वार्निंग आ गया है, अभी ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए राम को बोले तू राज संभाल और मैं जा रहा हूँ बाण प्रस्थ में, हम है भजन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए बोले मैं अपना सबसे बड़े बेटे को राज सिंहासन पर बैठा करके हम मुक्ति के मार्ग देखना चाहते हैं। इतने में बड़ा बेटा ने कहा पिताजी, यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का मेरे अंदर में कोई गुण नहीं, राजा बनने का गुण तो सिर्फ नंद भगवान, अब नंद को उनको राजा राजगद्दी पर बैठा दो, क्योंकि इनका नाम नंद, नंद मतलब सबको जो आनंद दे। हम कहते हैं ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो। इसलिए यदि यही राज्य संभाल सकता है, उन्होंने राजगद्दी पर बैठा दिए। जब जा रहे थे
बच्चों ने कहा पिताजी हमारे कुछ प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो बताओ क्या प्रश्न है। बोले ये बताओ कि संसार में जितने जीव सबसे डरे सब भय हैं, क्यों भय हैं, कारण है क्या, किस लिए सबसे डरे हुए, बेटा नहीं चले जाए, बेटी नहीं चले जाए, पत्नी नहीं चले जाए, पैसा नहीं चले जाए, दुकान नहीं चले जाए, मकान नहीं चले जाए, नौकरी नहीं चले जाए, सबके सब डरते हुए। बोले पिताजी संसार क्यों सबके सब डरे हुए। बोले बेटा ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, पहले पहले हमने जो जो कर्म करके आए वो कर्म का फल को भोगना पड़ता है, वो प्रारब्ध से सबके सब डरते हैं। बोले पिताजी ये जीवन का लक्ष्य क्या है। बोले बच्चों जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम। अगर जीवन में तुमने भगवत प्रेम को अगर प्राप्त कर लिया जीवन में, समझना कि जीवन पाना तुम्हारी सार्थक था हो गया बेटा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनेंगे, हम चाहते हीरो हीरोइन बनेंगे, समझे साहब। लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्त करनी चाहिए। बोले पिताजी जीवन में हमें रक्षा कौन करेगा, हम क्या चाहते हैं। बोले बैंक में अगर बहुत ज्यादा पैसा हो ना, बस अंतिम समय में वही हमें बैंक का पैसा रक्षा करेगा। बोले नहीं बच्चे, जीवन में रक्षा करने सत्संग है, इसे संग करने के संग लागे ही अच्छी बनेगी। बेटा ये सत्संग ही जीवन में हमें रक्षा करके हमको प्रभु की भक्ति के मार्ग में ले जाएंगे हैं। इसलिए बोले बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। ये सत्संग ही हमें भक्ति का मार्ग दिखाएंगे। इसलिए जब ध्रुव महाराज को भगवत दर्शन हो गया, भगवान जब बोले ब्रह्म आगो, हमने क्या मांगे। बोले प्रभु तुम्हारे भक्त का संग, जब मैं स्वयं तुमको मिल गया भक्त संग क्यों चाहते हो। बोले प्रभु आपका आपकी कथा नहीं सुना, तुम्हारी भक्त तुम्हारी कथा सुनाएंगे, अगर तुम्हारे भक्तों के साथ में रहेंगे, तुम्हारे नित्य निरंतर तुम्हारी कथा सुनते रहे, फिर तो मन अपने आप प्रभु के चरण में लग रहे, अपने आप प्रभु के चरण में यह मन लगी रहेगी। जब तक हम संत की संग करते रहेंगे। उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न की और नंदा बाबा ने सारे प्रश्नों को उत्तर दे करके दोनों पति पत्नी चले गए बान प्रस्थ में चले गए। जब चले गए पांच भाइयों में चार भाइयों के घर में बच्चा है, लेकिन श्री नंदा बाबा के घर में कोई बच्चा नहीं, बड़े दुखी है। भविष्य में राज सिंहासन में कौन बैठेगा, इसको संभालेगा। अभी मैया जसोदा की उम्र बीतती जा रही है, बच्चे देने का। एक दिन ब्रज में कुछ साधु लोग आए, ये साधु लोगों ने नंदा बाबा की साधु सेवा की महिमा बताई। मतलब नंदा बाबा जो नाकर लकड़ी सोकर फकीर, मतलब लकड़ी मतलब होता है भाग्य, तुम्हारी भाग्य में जो चीज नहीं, अगर सचमुच से कोई भक्ति करने वाले साधु हो, अगर तुम्हें आशीर्वाद दे देता है, कभी कभी भगवान तुम्हारी भाग्य ललाट में जो भाग्य रेखा को भगवान को बदलाना पड़ता है, क्योंकि संतों का हृदय में भगवान का निवास होता है। संतों को मुंह में जो निकल जाए वही हो जाती है, हाँ वही हो जाती है। साधु सेवा कितना महिमा। देखो आपकी छोटी सी कथा सुनाता हूँ, दशम स्कंध की कथा है कि जो भागवत कथा कितने महिमा, भागवत दान कितने महिमा है। बोले एक समय कृष्ण का बच्चे लोग खेल रहे थे जंगल में, खेलते खेलते हठात एक कुएं में देखा एक गिरगिट पड़ा हुआ, किकलास गिरगिट पड़ा हुआ, और कुआ छोटा और गिरगिट बड़ा, और ऐसे कुएं को अंदर में फंसा हुआ वो इधर उधर से हिल डोल नहीं पा रहे, श्वास भी छोड़ नहीं पा रहा है। कृष्ण का बच्चों ने बहुत कोशिश की उसको जैसे निकाल दे, लेकिन निकाल नहीं सकते। इतने में जा करके पिताजी को बोला, बोले पिताजी पिताजी जल्दी 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 आओ। बोले क्या बात है। बोले देखो पिताजी ये कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट फंसा हुआ और किसी तरह से निकल नहीं पा रहे हैं और बड़ा कष्ट उठा रहा है पिताजी। कृष्ण का तो सब पता। तब कृष्ण आए, जब अपना चरना बढ़ाए नीचे, उनका चरना स्पर्श होते ही वो जो गिरगिट था ना, एक सुंदर राजा के जैसा रूप धारण किया, अपूर्व सुंदर। कृष्ण के बच्चे लोग आश्चर्य में पड़ गए, ये गिरगिट बना हुआ था और इतने सुंदर राजा देवता जैसे। कृष्ण ने पूछा आप कौन हो। बोले प्रभु आपको क्या बताया, आपको धनगढ़ वासी हो।
आप क्या नहीं जानते हो। तभी मैं बता रहा हूँ ये था द्वापर युग का अंतिम। भले आपने कभी सुना सत्य युग में एक राजा थे जिनका नाम था नृग, कृष्ण का बच्चे हो रहे। हाँ, वो तो पृथ्वी का सबसे बड़े दानी थे। भले ये तो पृथ्वी में सबसे बड़े दानी थे, इनके जैसे बड़े दानी जगत में कोई नहीं हुए। कहते पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकता है, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते, लेकिन उनके दान को कोई नहीं गिन सकते हैं। जो गैया केवल एक बछड़ा जन्म दिया, हाँ, दुधारू गैया खून को चांदी में मढ़वा करके, सिंह को सोने में मढ़वा करके उन्होंने दान दिया। बीच में गलती भी हो गई। फिर क्या गलती हो गई? मतलब मैंने संकल्प करके एक गैया जिसे एक ब्राह्मण को दिया, कैसे भूल से वो गैया भागते हुए और जो गैया थे उससे मिल गया। अब मेरे को पता ही नहीं चला। मैंने फिर संकल्प करके और एक ब्राह्मण को वो गैया दान दे दिया। पहला दिन जो गैया जिसको दिया था वो ढूंढे ढूंढे आया मेरे गैया का, देखा दूसरा गैया ले जा रहे हैं। उसने कहा मेरी तेरी करते करते लड़ाई हो दोनों में। इसने कहा राजा मेरे को कल दिया था, वो राजा अभी मेरे को दिया। अभी लड़ते लड़ते आए राजा तो देखा अपराध हो गई मेरी। संकल्प करके जब एक चीज किसको दो बार किसको देना पाप लगता है। इतने में उन्होंने उनकी चरण में गिर पड़े, बोले बाबा हमको माफ कर दो, मेरी भूल हो गई। एक काम करो, इसके विनिमय में ना 10 गैया ले लो, ये गैया को छोड़ दो। बोले नहीं हमें यही चाहिए। बोले 100 ले लो, बोले नहीं। बोले 1000 ले लो, बोले नहीं। बोले 1,00,000 ले लो, बोले नहीं। बोले करोड़ ले लो, बोले नहीं, यही गैया चाहिए। लास्ट में दोनों झगड़ा करते करते राजा को बोले, बोले ओ तो गिरगिट जैसे रंग बदलाते हो, एक बार दे करके दो बार दान दिया तेरे को गिरगिट बनना मिलेगा। अभी उसने जब मृत्यु हुई, जब महाराज के पास में गए, चित्रगुप्त ने कापी खोले, बोले महाराज इनकी इतने दान है ना, अखर स्वर्ग प्राप्त होगी। लेकिन बीच में एक गलती भी हो गई है, एक गैया दे करके दूसरे को दे दिया। ब्राह्मण ने अभिशाप दिए, बोले पूछो पूछे बताओ तू पहले क्या लोगे, पाप लोगे ना पुण्य लोगे। बोले जब पाप थोड़ी सी पहले इसको ही भोग लेता। बोले गिर गिर बना, बोले कब, बोले सत्य युग से, अभी द्वापर का अंतिम था। अभी यह प्रश्न है, हाँ देखो आप लोग एक चीज को अच्छे तरह समझो। कहते तीन चीज होता है, एक पाप, एक पुण्य और एक सुकृति। ये तीन चीज है, इसके अंदर में थोड़ी सी आप लोग फर्क को समझ लो, अच्छे तरह से समझ लो चीज को। कहते पाप किसको कहते हैं? बोले वेद विरुद्ध धर्म पाप है। झूठ बोलना, बेईमानी करना, चोरी करना, परस्ती गमन करना, मांस खाना, शराब पीना, ये सब पाप है। बल्कि इसका फल क्या? बोले नरक। नरक से जब तुम्हारी पाप खत्म हो जाए फिर तुम मुक्ति होकर कहीं प्राप्त होते। बोले पुण्य जैसे दुखी दरिद्र को भोजन करवाना, कपड़ा देना, लता देना, स्कूल कॉलेज करना, कहते ये पुण्य। बोले इसका फल क्या? बोले स्वर्ग जाओ, नहीं तो इसी जगह में रुपया पैसा खुद मिलेगा, ब्रह्मलोक तक तो जा सकते हो। लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाएगा फिर तुमको यही करते जाओ। ये दोनों जो वस्तु है ये खत्म होने वाले वस्तु, नश्वर वस्तु दोनों, लेकिन इससे एक अलग वस्तु है, वो तृतीय वस्तु है जिसको कहते हैं सुकृति। कहते ये सुकृति क्या है? कहते भगवान और भक्त, अगर इनकी उद्देश्य करके जो काम होता है उसको सुकृति कहते हैं। ये आत्मा संबंधी जो पाप और जो पुण्य है ये शरीर संबंधी वस्तु, जैसे एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाती है वो वस्तु भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो सुकृति, जैसे आत्मा शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, भक्ति शाश्वत है, इसलिए ये जो चीज ये कभी खत्म नहीं होता। जैसे आप यहाँ पर कथा सुनने के लिए, इसमें इसमें किसकी कल्याण? आत्मा की कल्याण। क्यों? भगवान को साथ में ये संबंध है। जैसे तुलसी में पानी दिए, परिक्रमा किए, भगवान के प्रसाद पाए, भगवान की कथा सुन रहे हो, ठाकुर जी के नाम जप कर रहे हो, कहते ये आत्मा संबंधी है।
ये कभी खत्म नहीं होता, ये केवल तुम्हारी संचित हो रहा है, केवल डिपॉजिट डिपॉजिट हो रहा है। बल इसका फल क्या है? बल इसका फल महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता भी। जब ब्रह्मांड भ्रमण करते करते जब सुकृति तुम्हारी बहुत ज्यादा होती है, भगवत इच्छा से फिर आपको किसी भक्तों का संग मिलेगा। जब भक्तों का संग मिलेगा फिर तो अपनी अपना तत्व को आप समझेंगे, हम कौन है, कहाँ से आए, फिर हमें जहाँ कहना, हमारे पिता माता सब गए कहाँ, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, फिर तो उसको ये आत्म तत्व को ऊपर में ज्ञान मिलेगा, फिर पता चलेगा भैया हम कौन है, हम भगवान की ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के सेवक है। फिर जीव क्या करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, भक्ति करते करते धीरे धीरे भगवान के पास पास ठाकुर के पास में दिन चला जाएगा। ये सुकृति का काम है। अभी प्रश्न है, इनको ये कृष्ण दर्शन कैसे मिला? वो तो ब्राह्मण को दान पुण्य करता था, इसका फल तो कृष्ण दर्शन नहीं, फिर इनको कृष्ण दर्शन कैसे मिला? इसका कारण बताते हैं, इनकी स्वभाव में था दान करना, स्वभाव में भी था। एक दिन क्या हुआ, सचमुच से एक शुद्ध एक वैष्णव साधु इनके घर में आए, तो इनको भी उनको भी उन्होंने भोजन करवाया, बोले आपको कुछ चीज चाहिए, बोले एक काम कर सकते हो, बोले बताओ, बोले मेरे को एक भागवत ग्रंथ आप दे सकते हो, हमारी इच्छा मन में ये भागवत ग्रंथ पढ़ने का। उस समय तो प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, उन्होंने ताल पत्ते के ऊपर में 18,000 श्लोक को लिखवा करके उन्होंने वो साधु को दिया। वो साधु क्या करता था, रोज ये श्रीमद भागवत ग्रंथ को रोज पढ़ता था। ये भागवत क्या है, ये भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप है, ये भागवत, ये कृष्ण स्वरूप ये भागवत है, रोज ये भागवत ग्रंथ पढ़ता था, इसलिए कृष्ण स्वरूप है। उसका फल क्या मिला, साक्षात कृष्ण दर्शन, कृष्ण का चरण स्पर्श, और उसको द्वारा जन्म मृत्यु का चक्र से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के भगवान के पास में चला गया। ये भागवत तथा दान की इतने महिमा, भागवत ग्रंथ दान करने का इतने महिमा है। इसलिए श्री गोकुल में कभी कुछ साधु लोग आए और उन्हें साधु सेवा की बड़ी महत्व बताया। नंद बाबा देखा भैया जब गंगा बहते बहते घर के सामने आ गई तो उसमें गोता क्यों नहीं लगा। बोले संतों अगर साधु सेवा की इतने महिमा, फिर कुछ दिन गोकुल में टिक जाओ, यहाँ पर खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रहो, डट करके खूब कीर्तन करो, भजन करो, और कुछ दिन हमारी सेवा करो। नंद बाबा रोज रोज उनकी रोटी पानी व्यवस्था कर दी और संत लोग बैठ करके खूब वहां पर भजन कर रहे हैं, हाँ भजन कर रहे थे। बोले मेरे नंद जुप लाला अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो देला, मेरे नंद जुप लाला अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो देला, मेरे नंद जुप लाला अलबेला, मेरी मटकी मेरी
कुछ दिन बाद में संतों को पता चला नंद बाबा की मन में इच्छा घर में एक लाला की जन्म हो गया। संत लोग सोच रहे हैं इनके घर में बैठ कर इतना देर से भोजन पानी कर रहे हैं लेकिन इनके मन में इच्छा घर में के लाला की जन्म हो जाए। अभी तक घर में कोई लाला नहीं बह गए हैं। जब ये आपस आपस में चर्चा कर रहे थे कोई ब्रजवासी सुन करके श्री नंद बाबा को बोले बोले बाबा हमने सुना ये संत लोग चर्चा कर रहे थे नंद घर में लाला कब होगा। तो तुमने सुनी बोले अभी अभी हम सुन करके आ रहे हैं। बोले भैया जब साधु लोग कह रहे हैं मेरे घर में लाला होनी चाहिए संतों का वाणी कभी झूठा होती नहीं जरूर मेरे घर में लाला की जन्म होगा। बोले भैया संतों की अच्छे तरह से संतों की सेवा करो हैं। एक दिन क्या हुआ ब्रह्म मुहूर्त में नंद और यशोदा बड़े सुंदर स्वप्न देखा। बोले स्वप्न क्या देखा बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले कयोधार स्फुट मसो क्रीड़ांग मयाम लोक। ये स्वप्न देखा ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न देखो ना वो कभी सही हो जाता है। कोई स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में देखो वो सही होता है वो स्वप्न। अभी दोनों की आंख खुल गई। नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे मैंने बड़ा सुंदर एक स्वप्न देखा। जसोदा बोले मैंने भी एक सुंदर स्वप्न देखा है। बोले पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊ। नंद बाबा बोले मैंने देखा तेरी गोद में एक श्याम रंग का बालक पौर रहा है तुम्हारी स्तन पान करते समय ये दोनों धार से स्तन बहते हुए उसका कुर्ता भीग रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा सचमुच से तेरे गोद में एक लाला है। जसोदा बोले मेरी स्वप्न सुना बोले बताओ। बोले मैंने भी देखा एक सुंदर बालक श्याम रंग का मेरे पीछे पीछे आ रहा है कपड़ा पकड़ते हुए खींचते हुए। बोले भैया मेरे को गोद में ले लू भैया मेरे को दूध पिला दे मैं चल रहा था। मेरे को लगा सचमुच से कोई बालक है। बस उसी रात को ही मैया ने गर्भ धारण की और ब्रज में हला हो गया। बोले भैया मैया जसोदा तो बुरी उम्र में भी गर्भ धारण की जिस उम्र में बच्चे का कोई चांस नहीं ये संतों का आशीर्वाद ऐसे है। बस अभी तो गोकुल में ना संतों की जहां जाओ जय जयकार हो रहा है। बोले बाबा संत सेवा की बड़ी महत्व है साधुओं का सेवा में बड़ा ताकत है। अभी मैया जसोदा को एक बड़ी बुरी बताए बोले तुमने लगता है तेरे गर्भ में एक लाला होगा। बोले पता कैसे चला बोले तेरे जो होठ है ना पीला पीला दिख रहा मतलब एक गर्भ में जो बच्चा हो अगर होठ इसका पीला पीला लगता है समझनी चाहिए इसका पेट में लाला जन्म होगा बेटा जन्म होगा है। एक बड़ी बड़ी गोपी बोली बोले तुम्हारी कुंवारी अवस्था में जुड़े माँ केले तो नहीं खा ली थी। बोले क्यों बोले लगता है तेरे पेट में दो बच्चे एक है सचमुच से कृष्ण और जो मैं दो बच्चे थे। जब गर्भ में बच्चे हो ना माता को चटपट चीजें अच्छी लगती है जितने भी मैया जसोदा बड़ी जितेंद्रिय। बोले मेरे तो खीर खाने की इच्छा कर रही बड़े सुंदर गैया दूध से काजू किशमिश है डाल करके घी डाल करके बड़े सुंदर खीर बनाया ठाकुर जी सालग्राम को भोग लगवाया और मैया जसोदा को खीर खिलाए। इतने में अभी आज लग रहा है जैसे घर में बच्चा की जन्म हो जाएगा ऐसे लग रहा था। अष्टमी का रात बुधवार रोहिणी नक्षत्र है भादो की महीना लग रहा था मानो आज ही घर में बालक की कोई जन्म होगा होने वाला है। गांव में 8 बजे तक जगे रहते हैं उसके बाद में सब सब सो जाते हैं। बोले काम करो 2 घंटा 2 घंटा का ड्यूटी लगवा दो पता नहीं किस समय बालक की जन्म हो जाए। 2 घंटा 2 घंटा वहां पर ड्यूटी लगवा दिए 8 से 10 तक जिस ड्यूटी लगाए ढोलकी लोग मजिरा लोग और कीर्तन करते रहे वो तो कीर्तन करते रहे लेकिन 10 को बाद में जिनको ड्यूटी लगाए ना जोग माया सबको सुला था। कहां ढोलकी गिरा कहां मजिरा कहां चिमटा गिरा सब बेहोश होकर पड़ गई है। इतने में वसुदेव महाराज कब गोकुल से आए आकर के उन्होंने कृष्ण को रख करके कब यहां से बेटी को लेकर चले गए किसको पता ही नहीं पड़ा। सब के सब सोए पड़े हुए एकदम सुनंदा नंद बाबा की बहनी वो आकर के सारे घर का काम काज को ही देख रही थी। सबसे पहले इसकी नींद खुली दिखा सब के सब अचेत होकर पड़े हुए
बोले भैया भाभी का क्या हालत है, जसोदा की क्या हालत है? उनने दरवाजा खोल करके देखा, नदिया जसोदा की गोद में सुंदर एक बालक श्याम रंग का नीलमणि जैसे किलकाल मारते हुए खेल रहा है। बोले भैया इसको पता ही नहीं पड़ा ये बच्चा कब जन्म हो गया, क्यों उनको थोड़ी सी मीठी मीठी दर्द हुई, और कृष्ण जन्म हुए ना, भगवान जन्म हुए ना, इसलिए कहते ना नंद के आनंद भयो। मैया जसोदा इतने प्रसन्न हो गई थी, उसी में ही बेहोश होकर पड़ी आनंद में। सुनंदा ने देखा पता नहीं कब बच्चा जन्म हो गया, इसको पता ही नहीं, सब के सब सोए पड़े हुए। पहले ये सबसे पहले ये खबर श्री नंद बाबा को देनी चाहिए, फिर मेरे को नव लाख की हार मिलेगी। बोले ये नंद बाबा हेगा, ढूंढो, ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट में देखा ये बड़े बूढ़ों को बीच में बैठ करके माला जप कर रहे थे, माला जप नहीं हो पा रहा था, सोच रहे थे घर में लाला कब होगा, लाला कब होगा, लाला कब होगा, यही सोच रहे थे। इतने में मैया ने जाकर के बोल दिया, बोले भैया कमाल है गयो है, मतलब आश्चर्य हो गया है। इतना बोलते ही नंद बाबा तो छलांग लगाते, बोले बहन ये बताओ क्या कहा भयो है घर में, क्या हुआ है? बोले पहले ये बता मेरे को मिलेगा क्या, बोले तेरे को हम नवला की हार देंगे, बताओ क्या हुआ घर में। बोले बाबा बात इतने बड़ी है ना, ऐसे लगता है पंख लगा करके सुमर पर्वत को लंघ जाऊं, इतने आनंद आ रही आज, लेकिन बात इतने बड़ी इसको सामने नवला की हार भी कुछ नहीं, बता और क्या मिलेगा। बोले जमुना किनारे में जितना जमीन जगह है ना, जितनी जमीन सब ले लेंगे, तेरे नाम पर लिखवा लूंगा। बोले बाबा बात इतने बड़ी है ना, उसको सामने ये जमुना की किनारा की जमीनी जगह तो भी इतना बड़ी है, उसको सामने कुछ नहीं और क्या दोगे। बोले ले ट्रेजरी का सारी चाबी काटी तू ले लो, जो इच्छा खोल करके ले लेना जी भर करके, लेकिन ये बता दो सही कहा भाई भाई घर में। बोले भैया बात इतने बड़ी, जिसको सामने तुम्हारी ट्रेजरी का जो चाबी काटी भी कुछ नहीं। बोले इतने बड़ी बात, बोले और क्या, बोले और क्या दोगे। बोले आज से मैं तेरा हो गया, तू बता दो मेरे घर में कहा भय हो। बोले बाबा तेरे घर में लाला भय हो। बोले श्री नंद के लाला की जय, जोर से जयकार लगाओ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। इतने में नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और वहां से भाग भाग करके आए, और उन्होंने जब कृष्ण का मुख दर्शन किया, नंद बाबा कितने तपस्या, कितने दान, कितने तीर्थाटन उन्होंने इतने किया था जीवन में, घर में एक लाला हो जाए। लेकिन पहला बार जब उन्होंने कृष्ण का मुख दर्शन किया, इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने मन मन में बोले मैं ब्राह्मण साधुओं को 20 लाख में गया दान कर, 20 लाख गया दान कर सारे ब्राह्मण साधु संतों को, और 10 तिल का पर्वत, जो तिल का जो दान उसको बहुत बड़ा दान मानी गई, 7 तिल का जो पर्वत को उन्होंने मखमल वाले कपड़े से ओढ़ करके ब्राह्मण को, उन्होंने 3 की पर्वत उन्होंने दान की ब्राह्मण को है, और उन्होंने बोल दिया कि नाई को बोले जाओ पूरा ब्रज मंडल में ढिंडरा पिटवाओ, नंद के घर में लाला भयो है, सबके सब मेरे लाला को दर्शन करने के लिए आए और उनका आशीर्वाद देने के लिए आए। अभी ढिंडरा पिटवा दिया ब्रज में, और जितने गोपियां थी ना सारे कपड़े लत्ते से सज्ज करके 16 श्रृंगार पहन करके एक मटकी में दही, एक में दूध, एक में घी, एक में मिश्री, एक में मक्खन है लेकर के बड़ी सुंदर श्रृंगार करते हुए स्वागत करने के लिए, बधाई देने के लिए आ रही है। आते समय उनको कान में जो कुंडल पहनी हुई थी, ये कुंडल जोर जोर से हिल रहा था। बोले ये क्यों हिल रहा था? बोले तुम लोग जाने से पहले हमें छोड़ दो, हम जाकर के पहले जसोदा का नंद को हम बधाई। और चोटी में जो सुंदर फूलों की माला है, अब लोग चोटी में फूल की माला सिंगार करते हो, आप जाना दक्षिणी भारत में देखना, हर स्त्री शाम को बड़े सुंदर फूलों की माला से ना अपना चोटी को बड़े सुंदर फूलों की माला से सिंगार करती है। चोटी में सिंगार की तो फूल की माला, वो एक एक फूल गिरते गिरते मैया जसोदा की पैर को बड़े गिर रहा था चरण में। बोले क्यों? बोले जो व्यक्ति कृष्ण को दर्शन करने के लिए बधाई देने जा रही, उनकी चरण को पूजा करनी चाहिए।
अगर चोटी में रहेंगे खोल करके नदी में बहा देंगे, अगर ये ब्रज रज में मिल जाएंगे ना, कृष्ण जब बड़े होकर के गली गलियों में ठुमुक ठुमुक करके लीला करने चलेंगे, उनका चरण का स्पर्श हमें मिलेगा। इसलिए एक फूल गिरते हो जा रहा था, इतने में जितनी जसोदा थी, जितने सब गोपियां थी, उस सब के सब मैया जसोदा को स्वागत दे रही थी। देखो इधर अंदर पे देखो, सब माताएं सब सो रही थी। हाँ देखो हरे कृष्ण, देखो मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, तुम लोग जसोदा की दल है, अभी नंदा बाबा का दल इधर, हम जसोदा की दल इधर, मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, और तुम लोग सबके सब बोलना बधाई हो बधाई हो। क्या बोलोगे? बधाई हो। जोर से बोलना। अभी जितने गोपियां आकर के ना जसोदा को बधाई दे रही हैं, बोले मैया जसोदा बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आज ब्रदर के ऊपर आवाज नहीं, तुम्हारी कोई आवाज नहीं मिल रही है। अगर घर घर में झगड़ा हो ना, देना कितना दूर आवाज आती है, अब तुम बोल रहे हो मेरे यहाँ तक आवाज नहीं आ रही। जोर से बोलना, ठीक है? और एक बार जोर से बोले भैया जसोदा बधाई हो बधाई हो बधाई हो। हाँ भैया जसोदा बोली बधाई हो बधाई हो। ब्रज की गोपियां ये बूढ़ी उम्र में भी तुम लोगों का आशीर्वाद से मेरे को लाला का मुख दर्शन मिला। ये लाला मेरा नहीं, ये लाला तुम लोग को लाला है। और जितने गोपियां है ना कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे थे, जुग जुग जियो रे जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे जसोदा मैया तेरो ललना। सब कन्या का आशीर्वाद दे रहे थे। और जितने गोप लोग इधर देखो, आप लोग गोप लोग, मैं बोलूंगा नंदबाबा बधाई हो, आप क्या बोलोगे? बधाई हो। जोर से, उनसे भी ज्यादा आवाज होनी चाहिए, ठीक है? हाँ रख, ठीक से बैठ जाओ। इतने में जितने सारे ब्रजवासी थे नंदबाबा को बधाई दे रहे थे, बोले नंदबाबा बधाई हो बधाई हो। हाँ इन लोगों ने माइक बोल दिया, तू हरा दिया। इसलिए आई बोले बधाई हो। हाँ इतने में नंदा बाबा बोले ये बूढ़े उम्र में भी मुझे लाला का मुख दर्शन करने को मिला, ये लाला मेरो नहीं, ये लाला तुम लोग को लाला है। जितने ब्रजवासी कन्या को आशीर्वाद दे रहे थे, खूब हलते फुलते रहो बेटा, खूब राज्य शासन करो, सब लाला को आशीर्वाद दे रहे थे। ब्रज में दो राजा है, एक तो वृषभानंद महाराज और एक कीर्तिका सुंदर, एक वृषभानंद नंदा बाबा, ये दो राजा ब्रज में हैं। दोनों में बड़ी मित्रता है। जब कृष्ण जन्म हुए तब श्री नंदा बाबा ने वृषभानंद महाराज को निमंत्रण दिया, आप भी मेरे लाला के उत्सव में आप भी आओ। अभी सत्य संता आ गए, लेकिन अभी केवल दो व्यक्ति बाकी, वृषभानंद महाराज और कीर्तिका मैया, ये दोनों आ जाए फिर ये उत्सव की प्रारंभ होगी। अभी देखते देखते श्री मैया कीर्तिका सुंदरी और श्री वृषभानंद महाराज बड़े सुंदर सज धज करके उन्होंने राजसभा में प्रवेश किया। जब प्रवेश किया अभी उत्सव आरंभ होनी चाहिए, इतने में एक गोप ने क्या किया, मैया कीर्तिका ने तीन चार मटकियों में दूध दही मक्खन भर करके लेकर आई थी, एक ब्रजवासी क्या क्या लठिया लेकर के वो मटकी को मारी, मारते ही ना मटकी तो फूट गई और मैया कीर्तिका ने दूध दही से एकदम लथपथ स्नान कर लिया। जब स्नान कर लिया, एक दधि का दी होता है, दधि का दी में दही में घी और उसमें घी और हल्दी हैं मिला करके एक दूसरे को ऊपर लगाते हैं, जिसको दधि का दी कहते हैं, ये मंगलवाची है। वो एक दूसरे को ऊपर में ये लगा रहे थे और इतने दही लाए थे ना, सब नीचे सब गिर कर कीचड़ कीचड़ हो गया। जब कीचड़ कीचड़ हो गया, सबके सब फिसल फिसल करके ना एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, हाँ? सब फिसल फिसल करके गिर रहे थे और मक्खन के डेले को डेले उठा उठा करके एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। एक 7 साल की एक बूढ़ी माता जी थी, उसने ऐसे देख रहे थे, बोले भैया बड़े जोर की नंदा महोत्सव हो रहा है। उसकी एक भी दांत नहीं थी, एक गोप ने एक मक्खन की डेला उठाया और सीधा उसको मुंह को लक्षा करके मारे, एक तो दांत थी नहीं और मुंह में लगाना सीधा अंदर में सटक गया।
बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हाँ, कोई भूखे नहीं रहते हैं और सबके सब गा रहे थे। बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल, जय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल, खुल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो और
नंदो बाबा ने कितने गैया दान दिया, 20 लाख गैया खड़े हुए थे। इतने में श्री माँ पार्वती भी आई थी दर्शन करने के लिए। अभी भैया पार्वती चक्कर में पड़ी गई, बोले क्यों? बोले हाथी घोड़ा पालकी जोर से बोलो, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। बोले वो भी तो चक्कर में पड़ गई, बोले क्यों? इतने हाथी घोड़े दान दे रहे थे। बोले भैया मेरा जो बेटा गजानन गणेश का, इसका सर भी हाथी का सर है, हो ना हो हाथियों को दान देते देते मेरे बेटे को अगर हाथी मान कर दान में दे दिया फिर मेरे बेटा ही चला जाएगा। उन्होंने तो अपना बेटे को गोद में लेकर के ये छुटका करके रुक खरीदा है। वहां पर मैया कहते वहां पर स्वयं श्री जो धन की अधिष्ठात्री देवता कुबेर भी आए थे। कुबेर भी जब देखा इतने धान इतने दान दे रहे थे, कहते भैया भगवान मेरे को ये कुबेर क्यों बनाए? बोले क्यों? बोले आज नंद बाबा इतने दान दे रहे हैं, मेरे पास में भी इतने धन दौलत नहीं, इतने दान दे रहे इसलिए उनका सर नीचा हो गया, लज्जित हो गए, लज्जित होकर सर उनके नीचे हो गया। मतलब उन्होंने इतने दान पुण्य उन्होंने इतने किए हैं, प्रश्न है इतने धन दौलत कहाँ से, इनको मिला कहाँ से? ये कारण है जब भगवान कृष्ण आए ना, कहते माँ लक्ष्मी मूल लक्ष्मी को उनसे राधा रानी, राधा रानी ने आदेश दिया रिद्धि सिद्धि वैभव को, आज इतने दान दे नंद बाबा इतने दे, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक इनकी महिमा गाते रहेंगे। नंद बाबा मेरे प्रियतम के मेरे कृष्ण जन्म में उन्होंने क्या दान दिए हैं, इसलिए उन्होंने आदेश दे दिया रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी स्वयं वहां प्रकट हो गई। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं है? लक्ष्मी सहस्र सतसं ब्रह्म सद्यमानं गोविंदं मादि पुरुषं तमां भजामि। यहाँ पर एक लक्ष्मी नहीं, जहाँ पर हजार हजार लक्ष्मियां, जहाँ पर झाड़ू लगाया करती है, इतने उन्होंने दान पुण्य इतने किए हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं जय जीते दीतम जन्मना ब्रज सरत इंदिराजा, लक्ष्मी की लीला भूमि जहाँ पर बन गई, ऐसे उन्होंने दान पुण्य किए, जहाँ पर कुबेर भी जहाँ पर लज्जित होकर के उनका सर भी नीचा हो जाता है, ऐसे दान पुण्य किए। सब के सब भजन गा रहे हैं, बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला तिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम सब के सब बोला राधे राधे, सब दुनिया राधे राधे,
मतलब हम इतना राधे 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 कहते हो, और जब हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पहले क्या बोलते हैं? हरे। ये हरे किसका नाम है? श्री राधा जी का नाम। कहते आप इतने राधे 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 बोलते हो, फिर भी भागवत ग्रंथ में राधा जी का नाम क्यों नहीं? भागवत में श्री राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं? हाँ, दुनिया ऐसे बोलते हैं, लेकिन श्री महाप्रभु और हमारी संप्रदाय के साधु लोग कहते हैं, बोले भैया भागवत में तो राधा जी का नाम ही पढ़ रहे हो, क्योंकि जो भागवत का जो प्राण है ना, ये दशम स्कंध को बताया, ये दशम स्कंध भगवान की है, क्योंकि जो एकादश स्कंध ये भागवत का स्वरूप है। प्रथम द्वितीय स्कंध दो चरण, तृतीय तत्व स्कंध दो उरु, पंचम स्कंध नाभि, षष्ठ सप्तम स्कंध हाथ, अष्टम स्कंध बक्षस्थल, नवम स्कंध कंठ, दशम स्कंध दशम स्कंध मुखारविंद। जैसे आप किसी एक व्यक्ति को देखो, आप कैसे पहचानोगे ये अमुक व्यक्ति है? कैसे पहचानोगे? क्या नाम? संजय। हम कैसे पहचानते ये संजय? इनकी जब मुंह को जब देखते, अगर इनको मुंह को छपा दिया जाए ना, शरीर दिखा जाए, फिर हम नहीं पहचान पाएंगे, है ना? नहीं पहचान। फिर शरीर का मूल अंग क्या? बोले मुखारविंद, मुंह। एक व्यक्ति दुखी ना सुखी कैसे पता चलता है? हाथ देख रहे ना, प्यार देख रहे, मुंह देख रहे, पता चलता है ये व्यक्ति सुखी ना दुखी है, सुखी ना दुखी। एक व्यक्ति सुखी कैसे पता चलता है? जब हंसता हुआ मुंह दिखे, हंसता हुआ पता चल जाए भैया सुखी, अगर मुंह लटका हुआ तो भैया ये दुखी है। क्योंकि उसी तरह जो दशम स्कंध है ये भगवान की, ये बुखार बिंद, ये दशम स्कंध है, मतलब भागवत का जो सार है ये भगवान की लीला, कृष्ण लीला है, भगवान की दिव्य लीला है। लेकिन उसमें मूल क्या, बोले रास क्या है? बोले ये हंसी, हंसी ही रास लीला है, हैं? इसलिए रास लीला में कि तो उसमें पांच अध्याय है, बोले जो पांच अध्याय में उसको कहते ये पांच प्राण है, भागवत का पांच प्राण जैसे शरीर हो, लेकिन उसको प्राण नहीं, फिर व्यक्ति कैसे मरा हुआ तो व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। क्या उसी तरह ये भागवत का प्राण क्या? बोले ये जो रास लीला है इसमें जो पांच अध्याय ही ये भागवत का प्राण है। लेकिन रास लीला का मूल व्यक्ति कौन है? राशेश्वरी श्री राधा रानी राशेश्वरी। इसलिए भागवत ग्रंथ में सुखदेव गोस्वामी डिक्लार करते हैं, बोले अनयाराधित अनुनाम भगवान हरीश्वर। जब रास में कृष्ण अंतर ध्यान हो गए हैं, इतने में गोपियां उनको ढूंढ रही हैं, कृष्ण का चरणों के बीच में एक सुंदर चरण चिन्ह देखा, तब से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यही गोपी कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ रूप में आराधना की है। बोले वो कौन है? श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए कहते भागवत का सार कौन है? श्री राधा रानी ही ये भागवत का यही सार, श्री राधा रानी। अभी प्रश्न है, फिर भागवत में श्री राधा जी का नाम क्यों नहीं है? इसका क्या रहस्य है? तो टीकाकार बहुत अच्छी अच्छी बात बोलते हैं। तब श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं, टीकाकार सबसे पहले भागवत का टीकाकार, वो कहते हैं जब श्री सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम उच्चारण करते थे, बोले राधा नाम उच्चारण मात्र न सर्वमासी भी मूर्छा भवे, वो छह महीना तक बेहोश हो जाते थे। उन्होंने देखा अगर राधा जी का एक बार नाम लो और छह महीना तक बेहोश हो गया, फिर तो ये सात दिन में कथा कैसे सुना है? इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम नहीं लिया। दूसरा कारण क्या है? श्री सुखदेव गोस्वामी राधा रानी से प्रश्न की, आपका नाम को किस रूप में लो? उन्होंने बताए स्पष्ट रूप में नहीं, छुपा करके मेरा नाम लेना, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट कह राधा जी का नाम उन्होंने नहीं लिया। तीसरा कारण बताए, जैसे मेहंदी पत्ता, अब मेहंदी पत्ते को देखे हो, कौन कौन देखा हो मेहंदी हाथ में लगा, तो मेहंदी पत्ते को बताओ तो मेहंदी पत्ते का रंग कैसे? हरा हरा है, हरी हरी है ना, लेकिन वो की हरा हरी, वो की हरी हरी है, वो लाल है, लेकिन वो लाल कैसे प्रकट होता है? पीसो तब भी देखो ना हरा हरा,
लेकिन जब आप लोग हाथ में लगाते हैं ना मेहंदी लगाती होंगी, फिर जब सूख जाती है कौन सा रंग हो जाता है? लाल। और इतना लाल हो जाता है फिर तो महीना तक भी वो लाल नहीं छूटती है। उसी तरह ऊपर में तो दिखता है भागवत कृष्ण कृष्ण, लेकिन अंदर में देखना ऊपर में तो हरा हरा लेकिन अंदर में लाल लाल है। अंदर में कौन है? राधे राधे, क्योंकि आत्मा तो राधे राधे से। इसलिए क्योंकि राधा रानी की जो भक्ति है ये दुर्लभ भक्ति श्री राधा रानी की भक्ति, इसलिए भागवत में स्पष्ट रूप में श्री राधा जी का नाम नहीं दिखती है। जैसे 14 उदाहरण दिए, जैसे कृष्ण कथा 10वें स्कंध में कृष्ण कृष्ण कथा है उदाहरण दिया, जो कृष्ण कथा जैसे बहता हुआ नदी का पानी सब पी सकते हैं लेकिन कुएं का पानी सब नहीं पी सकते, लेकिन कुएं का पानी क्या बोले राधा रानी भक्ति। कौन पी सकता है? जिसको पास में रस्सी कोई पात्र होना वही डाल करके पानी पी सकते हैं। मतलब क्या? मतलब है जब तक कोई रस्सी की संप्रदाय से हम नहीं जुड़ते हैं तब तक ये राधा जी की भक्ति जीव को नहीं मिलती है। ये दुर्लभ भक्ति श्री राधा जी की भक्ति, कृष्ण भी जिनकी चरण की सेवा कृष्ण स्वयं करते हैं, इसलिए दुर्लभ भक्ति श्री राधा रानी का भक्ति है। कहते श्री विश्वहन महाराज घर में एक बेटा सुदाम भैया, लेकिन घर में कोई बेटी नहीं, इनके मन में इच्छा घर में एक बेटी हो, क्योंकि घर में जो बेटी आई ना दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई है। हमारी भारतीय संस्कृति है बेटी की जब दान की जाती है लक्ष्मी रूपा मान करके दान की जाती है, इसलिए कन्या दान को सबसे श्रेष्ठ दान बताया गया। वृषभ महाराज रोज जाते थे स्नान करने के लिए कहां? यमुना नदी में। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जा गए तो देखा एक सतदल कमल पुष्प के ऊपर में बड़ी सुंदर ये किशोरी बेटी बहते हुए आ रही है किलकर मारते हुए, और वहां पर जो उन्होंने उतरे वो पुष्प उनकी तरफ में आया और श्री वृषभान महाराज उन्होंने श्री राधा रानी को वहीं से उन्होंने उठा लिया। बोले श्री राधा रानी की, बड़े जतन को साथ में पालना कर रहे हैं। नारद जी ने देखा कृष्ण तो गोकुली में आए, अकेले तो आएंगे नहीं, उनकी शक्ति भी कहीं जरूर आती होगी, इसलिए नारद जी गली गलियों में जा जा करके गोकुल में ढूंढ रहे हैं श्री राधा रानी कहां पर जन्म हुई। जब श्री वृषभान महाराज का घर में आए पूछे घर में कोई संतान हुई, अपना बेटे को दिखाए, बोले कोई बेटी हुई कि नहीं? बोले हाँ एक बेटी हुई है। बोले लाओ, जब लाए ना नारद को भजेंगे, यही तो कृष्ण की पूर्ण शक्ति राधिनी स्वरूप शक्ति है, इनको ही तो मैं ढूंढ रहा था है। इतने में नारद जी की इच्छा थोड़ी सी स्तुति करे, लेकिन ये तो इनको मानते हैं हमारे लाडली लाली, लेकिन ये तो साधारण नहीं, ये तो रमेश्वरी क्षमेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी श्री राधिके नमस्तुते, ये तो सभी का ईश्वरी श्री राधा रानी। उन्होंने बहाना बनाए, कुछ उनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, कुछ फूल लेकर के आओ। जब गए इतने में राधा रानी एक किशोरी बनकर प्रकट हो गई सखियों को साथ में। फिर नारद जी बड़े सुंदर स्तुति करते हैं, बोले मुनिन्द्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भुविनाशिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करी करती हैं। राधा रानी कहती तेरे को फिर गोवर्धन में दर्शन दूंगा, राधा रानी अंदर ध्यान हो जाती, नारद प्रसन्न हो गए, अहोभाग्य है श्री राधा रानी की हमारी दर्शन हो गई राधा रानी, और अपना जीवन को उन्होंने धन्य धन्य उन्होंने मानी। बोले श्री राधा रानी की जय, जय श्री राधे। हां देखो कल है, कल हम लोग कथा में श्री गिरिराज की पूजा करेंगे, ठीक है। कल श्री अन्नकूट महोत्सव है, इसलिए श्री अन्नकूट महोत्सव में श्री अन्नकूट महोत्सव में बड़ी महिमा, अन्नकूट गिरिराज गोवर्धन पूजा की बड़ी महिमा है। कृष्ण स्वयं उन्होंने बताए अगर कोई
ये गिरिराज के अन्नकूट में एक अन्न का दाना तुम्हें कोई भोग लगाता है, गिरिराज में एक अन्न की दाना कोई भोग लगा दे, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़े। ये गिरिराज साधारण वस्त्र नहीं, ये गोलक वृंदावन से आए, ये स्वयं कृष्ण ही ये गिरिराज बने, ये और कोई नहीं गिरिराज स्वयं कृष्ण, इसलिए इनका नाम है सर्व अभीष्ट व्रता, मतलब ये सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, जो मांगो गिरिराज से वही पूरी कर देते हैं। गिरिराज कौन कौन गए हो हाथ उठाओ तो, गिरिराज कौन कौन दर्शन किए? आप देखना गिरिराज में जैसे गिरिराज शिला है ना, एक शिला दूसरे शिला के ऊपर शिला रखा हुआ है, जानते हो क्यों शिला रखते हैं? कारण है जिसको जितने मंजिले बताने चाहिए इतने महिमा गिरिराज की, जो गिरिराज शिला के ऊपर जितना शिला रख लोगे ना ठाकुर में उतने मंजिले मकान बनाओगे, इसलिए गिरिराज में शिला के ऊपर शिला रखा हुआ। वहां पर जाकर देखना पेड़ में पेड़ बांधी हुई, धागा बांधी हुई, बोले क्यों? बोले जिनका बेटा बेटी की शादी नहीं होती, हाँ बिजनेस सही नहीं चल रही, घर का स्थिति अच्छी नहीं, गिरिराज परिक्रमा लगाओ, गिरिराज को अभी सही करो, हाँ वहाँ पर मनोधि रखो, गिरिराज हिसाब पूरी कर देते हैं। जैसे गुरु जी कहते थे जो गिरिराज की परिक्रमा करते हैं कृष्णम को पीछे 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 चलते हैं कि हमसे क्या मांगेगा, इतने कष्ट करके ये परिक्रमा क्यों कर रहे हैं, जो मांगो गिरिराज से वही गिरिराज दे देते हैं। इसलिए गिरिराज की पूजा की बड़ी महत्व, इसलिए कल हम यहाँ पर से गिरिराज की अन्नकूट बनाएंगे, ठीक है ना? और आप लोग अपना अपना घर से कुछ कुछ बना कर खिलाना है, अच्छे तरह से कोई चीज बना कर खिलाना, नहीं तो कुछ फल ले आओ, नहीं तो कोई मिठाई, कुछ भी कुछ ना कुछ लेकर के आना। इसलिए गिरिराज ने आशीर्वाद दिया, एक अन्न का दाना कोई भोग लगाता है गिरिराज की सेवा में, तो किसी जीवन में अन्न वस्त्र के घर में अभाव नहीं होगा, किसी जन्म में, मतलब इतने गिरिराज गोवर्धन की महिमा। श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री अन्नकूट की जय। देखो और 5 मिनट का प्रश्न, देखो हरे कृष्णा, ये जो भागवत कथा हम सुन रहे हैं, यदि भागवत का सार क्या है, यदि भागवत का जो सार है ये भगवान का नाम है। जब भागवत शुरुआत हुई, जब सुखदेव गोस्वामी पहला श्लोक उच्चारण करते हैं, वो भगवान के नाम से उन्होंने शुरू किया है, हैं एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकुत भयम् जो भी नाम निपर निरत हरि नामानो कीर्तनम्। जितने वेद पुराण उपनिषद जितने मुक्त महापुरुष एक ही बात को बताए, अगर जीवन में शांति सुख पाना चाहते हो क्या करो, भगवान की नाम कीर्तन करो। लेकिन जब भागवत समाप्त हुई अंतिम श्लोक, बोले नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि पद, बोले नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, हमारे सारे पाप को कौन खत्म करेगा? बोले भगवान नाम खत्म करेगा, ठाकुर जी की नाम खत्म करेगा। इसलिए भगवत नाम से जीव को परम शांति परम सुख भगवान की नाम में ही मिलेगा। इसलिए भागवत का जो सार है ना, ये भगवान का नाम ही, भगवान का ये नाम संकीर्तन का सार है। देखो आपको छोटी सी कथा सुनाता हूँ, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। हम लोग बोलते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्तवृंद, हम जो श्रीवास कहते हैं ना, जब इनकी जन्म हुई हर पिता माता चाहते हैं हमारे बेटा का भविष्य क्या है, तब उन्होंने किसी ज्योतिष को दिखाया उनका भविष्य क्या है, ज्योतिष ने कहा इसका जो परमायु 16 साल तक है, इसके बाद में मरने वाला है। अगर कोई बोल दे तुम्हारे बेटा 15-16 साल में मर जाएगा, फिर क्या होगा बता, आप कितने दुखी हो जाओगे। तब उन्होंने दूसरे को दिखाया ये क्या सच है, लेकिन पहले ज्योतिष इतने पक्के होते थे, अभी का जैसे ज्योतिष नहीं, पहले पक्के ज्योतिष होते थे, उनका गणना एकदम सही होता था। दूसरे ज्योतिष उन्होंने एक ही बात बताया और उन्होंने दिन भी बता दिया, अमुक दिन तुम्हारे बेटा मरने वाला। पिता माता को तो बड़ी चिंता हो गई, जब चिंता हो गई, जब श्रीवास पंडित की उम्र थोड़ा हुई, उस समय बच्चे थे, जब बड़े हुए उनको भी पता चला मेरा मृत्यु 16 साल में मेरा मृत्यु है, उन्होंने तो सुनकर वो भी डर गए 16 साल में मरने वाला। तो उन्होंने सारे शास्त्रों को ढूंढना शुरू किया, बचने मरने से कोई बच सकता क्या है,
तब उन्होंने सारे शास्त्र को ढूंढे, ढूंढते ढूंढते उन्होंने जब कलि संदर्भ उपनिषद को पढ़े, वहां पर एक श्लोक उनको मिला, बोले हरे नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्न। वहां पर लिखा हुआ कलियुग में तीन तीन बार बताया, पहला लाइन में कलि काल में भगवान की एवं मतलब भगवान के नाम के सिवाय, भगवान के नाम के सिवाय, भगवान के नाम के अलावा जी का कोई उपाय नहीं। दूसरी लाइन में नहीं नहीं नहीं, तीन तीन बार बताया। बोले तीन तीन बार क्यों बताया? कि जब किसी बात को आप तीन बार बता दो ना, बात एकदम पक्की हो जाती है। मतलब भगवान के नाम को छोड़कर जी का कोई गति नहीं। और तीन बार क्यों बताया? बोले हम कलयुग का जीव, एक बार बोल बोलने पर हम नहीं सुनने वाले, हम कलयुग का जीव है ना, इसलिए एक बार बोले तो हम नहीं सुनेंगे, इसलिए वहां पर ने तीन 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 बार बताया है। और नीचे लिखा हुआ था, बोले हरे कृष्ण सबका हाथ में आगे बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे भगवान से बोले हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जब उन्होंने इस श्लोक को मिल पाया, बोले ये तो लिखा हुआ है भगवान के नाम में इतने शक्ति है, ये सारे पूर्व जन्म का सारे पाप को खत्म कर देता है। मृत्यु क्यों? पूर्व जन्म का पाप का फल है। उसने इतने प्रसन्न हो गए श्रीवास पंडित जी, अभी तो सारा दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अभी सारा दिन प्रभु का नाम जप करता है। और उसको ज्योतिष बताया अमुक दिन तू मरने वाले। उसने सवेरे सवेरे नहा धो करके ठाकुर को सामने बैठ गए, बास माला लेकर ठाकुर को सामने बैठ गए, बैठ करके जब प्रभु का नाम जप कर रहा, मृत्यु उसी दिन है, उसी दिन मृत्यु। इतने में जब उसका मरने का समय आया ना, इतने में वो बेहोस हो गया। जो बेहोश हो गया देखा, उसको गाल के ऊपर बड़े जोर से किसी ने थप्पड़ मारा तो उसने जग गया। जग करके देखा कोई है नहीं, लेकिन वो मरा नहीं, मृत्यु नहीं हुई। जब मृत्यु नहीं हुई, जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपना स्वरूप को उन्हें प्रकाश किए और हर भक्तों को बुला बुला करके उनको पूर्व जन्म की बात सुना रहे थे, महाप्रभु ने कहा श्रीवास तेरे को याद है ज्योतिष ने कहा 16 साल में मरोगे? हाँ प्रभु। बोले जिस दिन तुम हरिनाम कर रहा था, जब बेहोश हो गया तब तो थप्पड़ किसने मारा था? बोले प्रभु आप कैसे बता? भगवान कहते बेटा तू मेरे नाम ले रहा था, जो तुम्हारी जो मृत्यु थी ना पूर्व जन्म का कर्म का फल था, लेकिन तुम जब मेरे नाम को उच्चारण की तुम्हारे सारे पूर्व जन्म का पाप खत्म हो गई थी। अब तुमको लेने के लिए काल आया था, जगदूत आए थे, लेकिन तुम मेरे नाम रूपी नाव पे बैठा हुआ था और हरि से बड़ा हरि का नाम है, मैंने थप्पड़ मार कर भगा दिया, भगा दिया हमने काल को, तुमको बचा दिया और 100 साल तक जिंदा रहे। मतलब भगवान के नाम में इतने शक्ति, अगर काल भी आए आपको कुछ मिला नहीं सकते। देखो आप जानते हो ना, जो हमारे भक्त सिद्धांत महाराज को जानते हो ना, सिद्धांत महाराज कहते उनके जो गुरुदेव है ना, ज्योतिष ने उनको बताया था 12 साल में जिंदा रहे, लेकिन उन्होंने 102 साल तक रहा है। प्रभुपाद का जितने भक्तों में अगर सबसे ज्यादा दिन किसने बचा तो उन्होंने उन्होंने ही बचा। उनको ज्योतिष ने 12 साल में मृत्यु का बात बताया था, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद की शरण में आ गई, आकर के उन्होंने भगवान की भजन भक्ति किया 102 साल तक रहे। आप सुने होंगे हमारे डाइटा में एक भक्त है और राधानाथ प्रभु जी, उनको पिताजी को हो गया कैंसर का बीमारी, वो नौकरी कर रहे थे, डॉक्टर ने बोला तुम्हारे कैंसर का बीमारी है और तुम ज्यादा से ज्यादा 6 महीना जिंदा रहो। देखो भगवान के नाम में कितने सब, बोले 6 महीना से ज्यादा नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया 6 महीने से ज्यादा नहीं। जब उसने सुना जी मेरे कैंसर में मरने वाला, नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया, छोड़ करके संपूर्ण जो भगवान का नाम को उन्होंने आश्रय लिया, भगवान की भजन करना, ऐसे भगवान के उसने नाम लिया, उन्हें 16 साल तक उसके बाद में 16 साल तक उन्होंने जिंदा, 16 साल तक जिंदा कुछ नहीं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं क्लेशग्नि, जब हरिनाम की साधन अवस्था में उनकी दो गुण बताया, दो गुण क्या है? क्लेशग्नि सुभदा,
कृतग्नि मतलब जितने तुम्हारी दुख कष्ट है सब के सब नष्ट हो जाएगी। सुभदा मतलब है तुम्हारे जीवन में कल्याण कल्याण मंगल मंगलमय सारा दुनिया तुम्हारे नाम लेना शुरू कर देगा। इतने शक्ति ये भगवान के नाम में है, इसलिए जगत में जो जितने ठाकुर जी का नाम लिया ना उसको उतना ही जय जयकार है। पहले मैंने सुनाया था ना, महाप्रभु ने कहा मैं सबको घर में खाना नहीं खाऊंगा, किसे घर में खाना खाएंगे? जो लखपति बनेगा। भक्त लोग बोले प्रभु हम तो लखपति बन ही नहीं सकते, क्या हमारे घर में खाओगे नहीं? तो महाप्रभु बोले जानते हो असली लखपति कौन है? बोले जो रोजाना जो 100,000 हरिनाम करता है, 100,000 जो हरिनाम करता है वही असली लखपति। कौन कह रहे? स्वयं भगवान कह रहे हैं असली लखपति वही है। इसलिए मीरा कहती है ले लो कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे वती मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माल हुए, और माया के जो मैंने पुजारी केवल संसार का पैसा पैसा करते करते खत्म, बस आखिर वो कंगाल हुए। इसलिए असली जो धन है भगवान की ये नाम धन है। देखो स्वामी महाराज कहते हैं इसको कह दो प्रतिष्ठा। तो देखो अगर एक दिन में तुम लखपति अगर नहीं बन पाते हो तो 64 माला में लखपति, और कम से कम 4 दिन में तो लखपति बनो, मतलब दिन में 16 माला तो करो कम से कम। इससे कभी नहीं नहीं पूछे भी चाहिए। जब बावन गोस्वामी महाराज जो हरिनाम देते थे बोले कम से कम 16 माला कम से कम करना, इससे नीचे नहीं। क्योंकि हम भगवान के प्रति तुम्हारे जो प्रेम है पता कैसे चलेगा तुम भगवान को प्रेम करते हो? देखना इसी जगत में किसी लड़की को प्रेम करना सारा घर दुनियादारी लुटा दोगे उसको चलने। अब तो भगवान को प्रेम कर तो क्या लक्षण है? कहते केवल एक लक्षण है, जब उनके नाम को तुम जप करोगे इसी से ही पता चलेगा तुम भगवान ने प्रेम करते हो, और सारा दुनिया की धन तो यही रह जाएगी, कोई धन तो साथ में जाने वाली नहीं, केवल प्रभु का नाम धनी जाएगी, ठीक है ना? इसलिए संतों का कहना है ध्यान देखो, स्वामी महाराज कहते तुमको 24 आवर दिन में दिया, 8 घंटा काम करो 8 घंटा सो और 8 घंटा भजन करो, 8 घंटा काम करो 8 घंटा सो, सोने के लिए 8 घंटा बहुत है, और 8 घंटा भजन करो। तो अगर ये नहीं होता है, अगर ज्यादा समय चाहिए काम ये 12 घंटा तुम करो, 12 घंटा काम करो, इससे तो ज्यादा कोई नहीं करते हो, फिर 8 घंटा सो, इससे तो कुछ नहीं सोते, कितना हो गया 12 20, अभी 4 घंटा बचा है 4 घंटा भजन करो। इसलिए संतों का कहना है देखो पहले लोग तुम्हारे क्या करते थे, वो संत कहते घर सवेरे उठ करके 2 घंटा डट करके भजन करो, माला लेकर के ठाकुर को सेवा पूजा करो, 2 घंटा अपना परिवार को अपना शत्रु मानो, संतों का कहना है। इसलिए भागवत में बताया स्वजना कर दस्यु, इसको तुम स्वजन कह रहे हो, स्वजन नहीं वो दस्यु, दस्यु क्या कहता है सारे रुपया पैसा का लूट लेता है, और हमें भगवान भजन करने के लिए जीवन दिया 84 जन्म के बाद में, ये क्या करते हैं लूटपाट करते डाकू बन करके सब खत्म कर रहे हैं। इसलिए कहते 2 घंटा सवेरे परिवार को अपना शत्रु मानो, और 2 घंटा बैठ कर गीता रामायण, आप देखो अपना पिता माता को देख लो क्या करते थे पहले, हमारे पूर्वजों को देख लो सवेरे उठ कर गीता पढ़ना रामायण पढ़ना ठाकुर का आरती उतारो ठाकुर बस यही तो करते थे घर में ना, अब देख लो आप परिवार को, फिर उसको बाद में परिवार को अपना मित्र मानो 2 घंटा बाद में, फिर शाम को जब काम से आओ फिर अपना परिवार को शत्रु मानो, ये सब शत्रु है, फिर 2 घंटा बैठो, ये संतों का कहना है 2 घंटा फिर बैठो, अरे गीता रामायण भागवत पढ़ो हाँ अपना भजन साधन करो, फिर अपना सबको अपना परिवार मानो, ये फिर हमारे मित्र है। इसलिए भगवान के नाम ही साधन का मेन साधन है। इसलिए दुनिया भूल जाओ लेकिन माला मत भूलो, क्यों यही तुम्हारे साथ में जाने वाले। हम कहते हैं ना दुनिया का लोग बोलेंगे तुम कैसे हो, बोले कब तक, बोले जब तक जेब में पैसे हो, जब तक जेब में पैसा हो तब तक बोलेंगे तुम कैसे हो, और पैसा गए तुम कौन हो, तुम कौन हो, फिर आएगा तुम कौन हो, ये दुनिया ऐसे स्वार्थ है। इसलिए केवल अगर हमारे साथ देने वाले ठाकुर जी उनकी भक्ति और भजन है, लेकिन जिनका कृष्ण का परिवार है बेटा बेटी परिवार जिनके घर में भजन करते हैं घर में जिसकी भक्ति करते हैं उनका घर भी उनका घर तो गुरु वृंदावन है, उनका घर तो भगवान का धाम,
इसे महाप्रभु कहते हैं कृष्ण संसार करो, संसार करो लेकिन भगवान ही संसार करो। घर में जो कुछ बनाओ ठाकुर को भोग लगाओ, जो कुछ पैसा कमाते हो ठाकुर के लिए कमाओ, अपना घर को साफ करो भगवान की मंदिर मान करके, हैं सब कुछ भगवान के लिए किया करो, ठीक है ना। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। हिताय गौर ब्रह्मानंदे हरि। कल जो पारण है आद्य हुई नहीं है, आद्य कल ये कल पारण आपने देखा कितने से कितना सुना था प्रभु जी, देखो तो पारण कल कितने से कितने से टाइम पे आते आते कल। हाँ सब सब खड़े हो गए, टाइम नहीं दिया पारण की होगा नहीं है। हाँ होगा होगा, कैलेंडर में